दोनों प्रारंभिक बल्लेबाजों ने स्टार्ट अच्छा दिया था पहले मुकाबले में, हालांकि उस मैच में लक्ष्य केवल 99 रनों का था, लेकिन जो स्टार्ट दोनों भी बल्लेबाजों को मिले थे उसको बड़ी पारी में तब्दील नहीं कर पाए थे। बढ़िया लाइन, छेड़खानी करने की कोशिश वहां पर मोहम्मद आसिफ शेख की। बल्लेबाज भी इस बात से अच्छी तरह से वाकिफ रहेंगे कि यहाँ पर शुरुआती ओवर्स में गेंदबाजों को सहायता मिलने वाली है, विकेट पर थोड़ी घास है। आज एक नया सरफेस यूज़ किया गया है इस मुकाबले के लिए, पहले दो मैचेस जो हुए थे वो अलग विकेट पर हुए थे। और विकेट किस तरह से खेलेगा ये देखना काफी रोचक रहेगा। एक और अच्छी गेंद, फिर से बाहर की तरफ स्विंग होती हुई गेंद। आक्रमण करना चाहते थे बल्लेबाज मोहम्मद, अच्छी लेंथ पर गेंदबाजी। सिम आप देखोगे तो बिल्कुल पहली स्लिप की दिशा में सिम नजर आ रही है, और उसी से पता चलता है कि गेंद बाहर की तरफ स्विंग होगी। सही टप्पे पर गेंदबाजी बाबा खान की। अच्छी शुरुआत करते हुए बाबा खान। इस बार अच्छे तरीके से टाइम किया था, अच्छा पंच था, लेकिन गैप नहीं ढूंढ पाए। दो गेंदों पर लगातार बीट हुए थे इससे पहले, और ऐसे में बल्ले के बीचों बीच गेंद को लेना बहुत ही ज़रूरी, जिससे कॉन्फिडेंस बढ़ता है बैट्समैन का। अभी तक जो दो मुकाबले हमने देखे हैं इस टूर्नामेंट में, लो स्कोरिंग मुकाबले रहे हैं। पहले मैच में 98 पर पारी सिमटी थी गुजरात की, 8 विकेटों से नेपाल ने मुकाबला जीता था, लेकिन कल गुजरात टीम ने अच्छा बाउंस बैक किया, बड़ौदा को मात दी। यहाँ पर रन्स मिलेंगे, पैट्स की तरफ गेंद फ्लिक करते हुए और निकाल दिया है गैप में। इस मैच का पहला चौका मोहम्मद के बैट से। प्राइवेट लिमिटेड चौका, यहाँ पर आमंत्रण था बैट्समैन के लिए कि रन्स बनाए, क्योंकि लेग स्टंप की तरफ आती हुई गेंद थी। पैड्स पर गेंद मिलेगी तो बल्लेबाज छोड़ने वाले नहीं है, और वैसे भी T20 क्रिकेट है, तेज़ गति से बल्लेबाज हमेशा रन्स बनाने को देखते हैं। ओवर काफ़ी अच्छा घट रहा था बाबा खान का, पहली 5 गेंदें बहुत अच्छी लाइन और लेंथ पर रखी थी उन्होंने, मूवमेंट देखने को मिला, लेकिन अंतिम गेंद पर गलती कर बैठे, जिसका खामियाजा भुगतना पड़ा है। पहले ओवर के बाद 5 रन बिना किसी नुकसान के नेपाल। टॉस गंवाने के बाद पहले बल्लेबाजी कर रही है नेपाल टीम। हर टीम के पास 4-4 मैचेस खेलने का मौका है इस SMS फ्रेंडशिप कप 2024 में, ट्रायंगुलर सीरीज में। और आज यदि नेपाल टीम यहां पर जीत जाती है तो फिर इस टूर्नामेंट में आगे बढ़ने के चांसेस उनके बढ़ जाते हैं, और यदि बड़ौदा टीम जीत जाती है तो फिर ये जो सीरीज है ये काफ़ी रोचक हो सकती है, क्योंकि अभी तक हम देखें तो नेपाल ने एक मैच खेला है उसमें जीत दर्ज की है, गुजरात ने दो खेले हैं, एक जीता है एक हारा है। बड़ौदा को अपना खाता खोलना बाकी है। लक्षित आए हैं गेंदबाजी के लिए, एक और चेंज जो कि इस मुकाबले में देखने को मिल रहा है बड़ौदा की ओर से। दोपहर के मैचेस में हालांकि कई बार हम देखते हैं कि गेंदबाजों को स्विंग मिलता नहीं है, लेकिन यहाँ पर कंडीशंस थोड़ी अलग है, और यहाँ पर फास्ट बॉलर्स को ज़रूर शुरुआत में खासतौर पर मदद मिलती है, क्योंकि विकेट से भी सहायता मिलती है, ऑफ द सरफेस भी गेंद मूव होती है। लक्ष्य पर डाली हुई गेंद थी लक्षित की।
आज अभिमन्यु सिंह नहीं खेल रहे हैं, थोड़े से इंजर्ड है। साथ में जय अभाले भी टीम में प्लेइंग इलेवन में शामिल नहीं है, और शोएब सुपारिया भी इस मैच में नहीं खेल रहे हैं। अच्छी गेंद थी। दोनों बल्लेबाज जो है वो स्वाभाविक तौर पर हम देखें तो आक्रामक बल्लेबाज है, जोखिम उठाना पसंद करते हैं, बड़े शॉट्स के लिए खास तौर पर कुशल भुरतेल जाने जाते हैं। और T20 क्रिकेट में नेपाल टीम इन दिनों बहुत अच्छा प्रदर्शन भी कर रही है, खास तौर पर जो एशियन गेम्स में मुकाबला हमने देखा था वहाँ पर कीर्तिमान स्थापित किया था नेपाल टीम ने। 314 रन बनाए थे मंगोलिया के विरुद्ध, और उसमें सबसे तेज शतक T20 अंतर्राष्ट्रीय मुकाबलों का हमें देखने को मिला था। कुशल मल्ला के बल्ले से 34 गेंदों में 100 रन पूरे किए थे उन्होंने, और उसी मैच में दीपेंद्र सिंह ऐरी ने सर्वाधिक तेज गति से अर्धशतक बनाया था, 9 गेंदों में हाफ सेंचुरी जड़ी थी। तो बड़ी ही खतरनाक टीम है नेपाल, लेकिन बड़ौदा टीम के पास भी अच्छे खिलाड़ी है, और आज टॉस उनके पक्ष में गिरा है, ये बहुत अच्छी बात है। थोड़ा सा अतिरिक्त उछाल था लेकिन बढ़िया तरीके से निकाल दिया है। थर्ड मैन की तरफ दिशा दिखाते हुए सिंगल मिलेगा यहाँ पर, क्योंकि फील्डर मौजूद है बाउंड्री पर। एक बात तो है, इस विकेट पर हमने देखा है कि यदि शुरुआत में आप गेंदबाजों को समय देते हो तो फिर बाद वाला समय आपका होता है, जैसे कि कल के मुकाबले में गुजरात के सलामी बल्लेबाजों ने दिखाया था। आर्या देसाई और रुद्रा पटेल ने बहुत अच्छी बैटिंग की थी, 81 रनों की शानदार साझेदारी की थी, जिसके चलते जो लक्ष्य था 143 रनों का उसको हासिल किया गुजरात ने, और अपनी पहली जीत दर्ज की SMS फ्रेंडशिप कप 2024 में। बहुत अच्छी लाइन, पहले खेलने का इरादा था लेकिन अंतिम क्षणों में अपना बल्ला गेंद की लाइन से अलग किया। आउट स्विंगर, अच्छे स्विंग बॉलर्स है टीम बड़ौदा के पास। इस बार थोड़ा सा पीछे रखा था और अंदर की तरफ लेकर आने का प्रयास था, हल्के हाथों से टर्न किया है और यहाँ पर सिंगल लेते हुए बल्लेबाज, और इसके साथ ही दो ओवर का खेल समाप्त। 8 विदाउट लॉस नेपाल। आज का विकेट जैसे कल का विकेट था, कुछ ज़्यादा फर्क नज़र नहीं आ रहा है। घास ज़रूर है विकेट पर और उसकी वजह से गेंदबाजों को शुरुआती ओवर्स में मदद मिलती है, तेज़ बॉलर्स को गेंद स्विंग भी हो रही है। और देखिए कुछ कुछ ऐसे स्पॉट्स हैं जहाँ पर घास थोड़ी कम है। ड्राइव करना चाहते थे ऑफ साइड में लेकिन पूरी तरह से चकमा खा बैठे वहाँ पर बैट्समैन कुशल भुरतेल। पहले मुकाबले में दो बड़े हिट्स लगाए थे, दो पुल शॉट्स कुशल भुरतेल ने, वो दर्शक भूले नहीं होंगे। आगे निकलकर शॉट बॉल पर पुल करते हुए छक्का जड़ा था, एक इन कटर पर उन्होंने बहुत ही बढ़िया पुल शॉट खेला था, और आत्मविश्वास झलका था कुशल की बल्लेबाजी में, लेकिन लंबा नहीं खेल पाए थे। जगह मिली है इस बार, बहुत ही दर्शनीय स्ट्रोक, ये गेंद नहीं रुकने वाली है। 4 रन। हाथ खोलने के लिए पूरा मौका था वहां पर, पॉइंट और कवर के दरमियान से दर्शनीय ड्राइव, फ्रंट फुट पर आते हुए अच्छा हैंड आई कोऑर्डिनेशन, और देखिए नजरें वहीं पर जहां पर वो खेलना चाहते थे, लाइन को लेकर निश्चित रूप से सतर्क रहना होगा गेंदबाजों को।
अरे यहाँ पर तो अंपायर की क्या ही उड़ गई। इसी से पता चलता है कि कितनी तेज हवाएं बह रही है इस समय मैदान के ऊपर से। थोड़ा खुला मैदान है और वो भी एक वजह हो सकती है कि गेंद हवा में भी स्विंग होती है। पश्चिम से पूरब की दिशा में इस समय हवाएं बहती हुई और साउथ एंड से गेंदबाजी कर रहे बाबा खान। यॉर्कर का प्रयास फ्लिक कर दिया है, दूर से आ रहे हैं फील्डर और समय है बैट्समैन के पास 2 रन यहां पर पूरे करते हुए कुशल बुर्तिल। जो सबसे बड़ा खतरा है कहीं ना कहीं शुरुआती ओवर्स, जहां पर आपने देखा है कि यहां पर विकेट गिरती है। अभी तक बल्लेबाजों ने अच्छा कार्य किया है कि विकेट नहीं दिया है बड़ौदा के गेंदबाजों को। ओ थोड़ी देर गेंद हवा में रही थी, हल्का सा जल्दी खेल पाए थे ऐसे लगा। और कैचिंग पोजीशन में फील्डर शॉट एक्स्ट्रा कवर की तरफ, स्लिप में एक खिलाड़ी तैनात है। निरंतरता बहुत ही जरूरी, एक अच्छा ओवर डालना है तो 6 अच्छी गेंदें करनी होती है आपको। और इस ओवर में एक ढीली गेंद डाली थी जिसमें जगह दे बैठे थे, उस पर चौका जड़ा कुशल भुरतेल ने। और जब बाउंड्री आती है तो दबाव गेंदबाज पर जरूर रहता है। बहुत अच्छी गेंद, इन स्विंगर, अब की बार बल्लेबाज को कुछ भी पता नहीं चला था इस गेंद के बारे में। जबरदस्त गेंद, लेकिन भाग्य का सहारा बैट्समैन को मिलता हुआ कि यहां पर गेंद और बल्ले में संपर्क नहीं हुआ। बहुत बढ़िया गेंद थी, मोड़ना चाहते थे ऑन साइड में। देखिए हवा में भी गेंद थोड़ी सी अंदर आई है और टप्पा पड़ने के बाद खास तौर पर हल्की सी सीधी हो गई वो। इन द एयर भी मोमेंट और ऑफ द सरफेस भी मोमेंट प्राप्त हो रही है। इस बार लगा है किनारा और बहुत ही बेहतरीन कैच विकेट कीपर द्वारा। ये रही पहली सफलता टीम बड़ौदा के लिए। खुशाल भुरतेल पेवेलियन की राह पर पहला नीलकंठ विकेट। पहली सफलता अपने टीम को दिलाने में कामयाब हुए हैं गेंदबाज बाबा खान। और इसके साथ ही 3 ओवर का खेल समाप्त, स्कोर 14 रन 1 विकेट के नुकसान पर। जरूर अंपायर ने वहां पर चेक करने को कहा था कि कहीं ये नो बॉल तो नहीं है। बिल्कुल नहीं है, ये फेयर डिलीवरी है। और 9 रन बनाने के बाद कुशल भुरतेल पेवेलियन की राह पर। इस तरह से आउट हुए हैं खुशाल भुरतेल, क्रीज में ही खेल रहे थे, टेंटेटिव लगे वहां पर। और क्या जबरदस्त कैच लपका है विकेट कीपर ने। अमित पासी विकेट कीपर की भूमिका में अपनी दाहिनी तरफ डाइव लगाते हुए इस मुश्किल कैच को उन्होंने लपका है। थोड़ा अतिरिक्त उछाल भी देखने को मिला। अच्छी गेंद पर आउट हुए हैं भुरतेल और अब नए बैट्समैन अनिल कुमार साह। बाहरी किनारा लेकिन सेकंड स्लिप नहीं है। जबरदस्त गेंदबाजी का मुजाहरा पेश किया जा रहा है दोनों छोर से। लक्षित का यह दूसरा ओवर,
और अब सामना करेंगे अनिल कुमार साह। अच्छा खेले पहले मैच में, 32 रनों की खूबसूरत पारी। बैटिंग करना आसान नहीं था, गेंदबाजी अच्छी की जा रही थी गुजरात की गेंदबाजों द्वारा। और 34 पर 2 विकेट गिरे थे, वहाँ पर 65 रनों की एक नाबाद पार्टनरशिप, मैच जिताऊ पार्टनरशिप देखने को मिली थी अनिल साह और कप्तान रोहित पौड़ेल के बीच में। अब की बार 2 स्लिप्स तैनात और बाहरी किनारे को बीट करते हुए गेंदबाज, लेकिन नो बॉल का इशारा। अंपायर होमियार कासद, सही फैसला, फुट फॉल्ट। नो बॉल है तो आपको अब फ्री हिट मिलेगी बतौर बल्लेबाज, आपके पास मौका, आप अपने हाथ खोल सकते हो। घुमाने का प्रयास किया था लेकिन फिर से चूक गए हैं अनिल कुमार साह। अभी अभी विकेट गिरा है और ऐसे में आपको यदि फ्री हिट मिलता है तो ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस बार भी मूवमेंट, टप्पा पड़ने के बाद बाहर की तरफ लहराती हुई गेंद, फ्री हिट का बिल्कुल भी फायदा नहीं उठा पाए अनिल कुमार साह। 16 पर 1 इस समय टीम नेपाल। बड़ौदा ने आज टॉस जीता और पहले गेंदबाजी चुनी। बढ़िया लाइन, कप्तान चाहते हैं विष्णु की इसी लाइन और लेन पर गेंदबाजी करे गेंदबाज। नए बल्लेबाज के लिए तो बिल्कुल भी आसान रहा नहीं है इस विकेट पर बैटिंग करना। अनिल कुमार हालांकि एक ऐसे बल्लेबाज है जो जरूर शुरुआत में थोड़ा सा वक्त लेना पसंद करते हैं और जब उनकी आंखें जम जाती है तो उनको आउट करना इतना आसान होता नहीं है। बहुत ही महत्वपूर्ण बल्लेबाज नेपाल के लिए अनिल कुमार। एक और कमाल की गेंद, इस बार थोड़ी सीधी रही थी और अचंभित कर दिया अतिरिक्त उछाल ने बैट्समैन को। हक्के बक्के और भौचक के रह गए वहां पर अनिल कुमार साहब। अंतिम क्षणों में अपना जो बल्ला है वो गेंद की लाइन से उन्होंने अलग किया था। बिल्कुल भी आसान नहीं है बल्लेबाजी करना जिस तरह से गेंद हरकत कर रही है, मूवमेंट भी प्राप्त हो रही है और खास तौर पर लक्षित हम देख रहे हैं कि नॉर्थ एंड से गेंदबाजी कर रहे हैं, उनको थोड़ा अतिरिक्त उछाल भी मिल रहा है। और जिस गेंद पर आउट हुए भुरतेल, उस गेंद पर भी थोड़ा एक्स्ट्रा बाउंस था, दोनों छोर से ये चीज़ें देखने को मिल रही है। हवा में गेंद जरूर, लेकिन गैप में खेला है, हालांकि पीछे फील्डर है। दिशाहीन थ्रो था, 2 रन लेना चाहते थे वहां पर अनिल, लेकिन मोहम्मद ने बिल्कुल भी रुचि नहीं दिखाई उसमें, एक ही रन से संतुष्ट। अच्छी शुरुआत है इस मुकाबले में बड़ौदा के लिए। पावर प्ले का जो खेल चल रहा है अभी तक कोई ज़्यादा बड़े शॉट्स आए नहीं है, लेकिन यहाँ पर गलती हुई है गेंदबाज द्वारा, नो बॉल, और ये दूसरी नो बॉल इस ओवर की। एक और फ्री हिट, खेलने की कोशिश नहीं क्योंकि बहुत दूर रखी हुई गेंद थी वाइड, फ्री हिट जारी रहेगा। अब की बार मौका है मोहम्मद के पास, इससे पहले अनिल को फ्री हिट खेलने का मौका मिला था और ये वो गलती जिसके चलते कहीं ना कहीं थोड़ा सा दबाव अपने हाथ पर ही ले लिया है गेंदबाज ने। और ये छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं इनका भी बड़ा महत्व रहता है, छोटे छोटे मोमेंट्स होते हैं क्रिकेट के खेल में। आपको सफलता मिली है पिछले ओवर में, आप दबाव बना सकते हो नए बल्लेबाज पर, लेकिन यहाँ पर आप नो बॉल डाल रहे हो और मौके दे रहे हो बल्लेबाजों को। इस बार इनसाइड एज, बढ़िया फील्डिंग, शॉट वाइड, फाइन लेग की तरफ, और डायरेक्ट हिट भी लगा है, लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं थी टीम बड़ौदा को क्योंकि बल्लेबाज पहुंच चुके थे। ओवर थ्रो के जरिए एक और रन मिला, कुल मिलाकर 2 रन इस गेंद पर।
और एक बार फिर से ये देखने को मिला कि फ्री हिट गेंद पर बाउंड्री नहीं आई है, और ये ज़्यादा देखने को मिलता है क्रिकेट के खेल में फ्री हिट का जब से रूल आया है। कभी कभी ऐसे लगता है कि बल्लेबाज ये सोचते हैं कि मैच जीतने के लिए उनको एक गेंद पर चौका या फिर छक्का चाहिए जब फ्री हिट गेंद मिलती है, और इसीलिए शायद वो ज़्यादा प्रेशर महसूस करते हैं, उस वजह से भी कहीं ना कहीं फ्री हिट गेंद पर बड़े शॉट्स ज़्यादा देखने को मिलते नहीं है। ओ बढ़िया टाइम किया था लेकिन सीधे फील्डर के पास, सफाई से फील्ड नहीं कर पाए वहाँ पर मोहित मोंगिया। एक रन ज़रूर मिलेगा। 4 ओवर का खेल समाप्त, 22-1। ओवर नंबर 5 का खेल शुरू हो चुका है। एसएमएस फ्रेंडशिप कप 2024 ट्रायंगुलर्स पाल बना बड़ौदा। टॉस गंवाने के बाद पहले बल्लेबाजी करती हुई नेपाल की टीम, और जैसा कि अपेक्षित था शुरुआती ओवर्स में सीमर्स को मदद मिलेगी विकेट से, कंडीशंस भी यहाँ पर अच्छी है बॉलर्स के लिए, उसका फ़ायदा उठाया गया है। अभी तक पहली सफलता मिल चुकी है, लेकिन अब आक्रामक शॉट, ओ शॉट फंस गया है, मिस टाइम स्ट्रोक, आसान सा कैच, कप्तान गेंद के नीचे, मिड ऑफ की दिशा में कोई गलती नहीं विष्णु सोलंकी द्वारा, और दूसरा झटका लगता हुआ नेपाल को। नीलकंठ विकेट, मोहम्मद आउट हुए हैं दोनों प्रारंभिक बल्लेबाज पेवेलियन में, और अब यहाँ से पारी को संभालना होगा नेपाल के बल्लेबाजों को। मध्य क्रम पर एक बार फिर से बड़ी जिम्मेदारी, 22 पर लगा है दूसरा झटका, बाबा खान को मिलने वाली दूसरी सफलता। मिड ऑफ के ऊपर से खेलने की कोशिश थी, पावर प्ले का फायदा उठाने की कोशिश थी, लेकिन सही तरह से बल्ले पर ले नहीं पाए, और जो एलिवेशन चाहिए था शॉट में वो बना नहीं पाए, जगह बनाई थी। और देखिए गेंदबाज ने यहाँ पर थोड़ी चतुराई दिखाई, उन्होंने जगह दी नहीं, थोड़ा सा बल्लेबाज को फॉलो करने की कोशिश की थी, अच्छी लेन पर रखी हुई गेंद थी, ऑन द राइट शॉट खेला लेकिन पूरी तरह से मिस टाइम, और एक बहुत ही आसान कैच कप्तान विष्णु के लिए। और अब कप्तान मैदान में आए हैं टीम नेपाल के लिए रोहित पौडेल, स्वागत स्वागत है कप्तान का इस मुकाबले में। क्या कमाल की गेंद थी, खुल गए थे वहां पर, स्क्वेयर ऑन हो गए थे रोहित। आज बाबा खान ने बहुत इम्प्रेस किया है अपनी गेंदबाजी से, जो मौका मिला है उनको उसको बुनाते हुए, जैसा कि कल हमने देखा था जय मालूसरे को मौका मिला था टीम गुजरात के लिए, जो कि पहले मैच में प्लेइंग 11 में नहीं थे, टीम में शामिल नहीं थे, लेकिन कल जब मौका मिला तो उसको दोनों हाथों से स्वीकारा उन्होंने, 3 विकेट चटकाई, बहुत अच्छी गेंदबाजी की, नई गेंद का शानदार इस्तेमाल उन्होंने भी किया था, और आज बाबा खान यहाँ पर छा गए हैं वापी में। थोड़ी सी चहलकदमी की थी, गेंद जब स्विंग होती है तो उसको कवर, ये क्रिकेट का खेल है, अलग अलग खिलाड़ी अलग अलग खिलाड़ियों के विरुद्ध और अलग अलग टीमें अलग अलग टीमों के विरुद्ध अलग अलग रणनीतियां बनाती है, इसलिए तो ये खेल इतना मज़ेदार है, महान अनिश्चितताओं से भरा हुआ खेल क्रिकेट।
बैकफुट पर खेले हैं। यहाँ पर सिंगल ज़रूर मिलेगा। अच्छा तालमेल दोनों बल्लेबाजों के बीच में, खाता खुला है इस सिंगल के चलते कप्तान रोहित का। दोनों भी बल्लेबाज एक एक रनों पर बैटिंग करते हुए, और ये सिचुएशन नई नहीं है इन दोनों बल्लेबाजों के लिए। पहले मुकाबले में भी जब दोनों बल्लेबाज क्रीज पर आए थे तो 34 पर 2 विकेट गिरे थे, और मुझे अच्छी तरह से याद है कि जब रोहित क्रीज पर पहुंचे थे तो अनिल 1 पर बैटिंग कर रहे थे। आज भी लगभग उसी तरह की सिचुएशन, और आज तो और भी कम स्कोर पर प्रारंभिक बल्लेबाज आउट हुए हैं। और उस मैच में हालांकि लक्ष्य सामने था, छोटा सा टारगेट था 99 का, लेकिन आज पहले बल्लेबाजी करनी है नेपाल को। एक अलग प्रकार की चुनौती है, कट करने का प्रयास था लेकिन थोड़े दूर रह गए गेंद से। जगह ज़रूर थी लेकिन फिर से वो लहराव जो था, जो स्विंग मिली गेंदबाज को, उससे बैट्समैन बीट हुए हैं। डॉट बॉल के साथ पांचवें ओवर का खेल समाप्त, 23 पर 2 नेपाल। एसएमएस फ्रेंडशिप कप 2024 में एक और ऐसा मुकाबला जहां पर पावर प्ले का जो खेल है वो गेंदबाजों के पक्ष में रहा है। हालांकि एक ओवर पावर प्ले का बचा हुआ है, और अब गेंदबाजी में पहला परिवर्तन टीम बड़ौदा की ओर से। ध्रुव पटेल आक्रमण पर आते हुए, डिसेंट हाइट है ध्रुव पटेल की, और इनको भी ज़रूर थोड़ा अतिरिक्त उछाल मिलता रहता है। पहली गेंद स्विंग की तलाश, आगे रखी हुई गेंद थी लेकिन स्विंग देखने को नहीं मिला। और एक बात हमने देखी है इस टूर्नामेंट में भी कि जैसे जैसे खेल आगे बढ़ता जाता है, विकेट थोड़ा सा सेटल होता जाता है, बल्लेबाजी के लिए अनुकूल हो जाता है, और इसीलिए शुरुआत में थोड़ा संभल कर रहना बहुत ही ज़रूरी भी हो जाता है। लेकिन यहाँ पर विकेट बचा नहीं पाए प्रारंभिक बल्लेबाज मोहम्मद आसिफ शेख और कुशल भुरतेल, दोनों भी आउट हो चुके हैं। अच्छी गेंद थी, कटकर अंदर की तरफ आई, इस बार बॉटम हैंड को लगभग छोड़ ही दिया था वहाँ पर, और बढ़िया तालमेल दोनों बल्लेबाजों के बीच में। ये सिंगल चुरा लिया गया है। स्ट्राइक को रोटेट करते रहना बहुत ज़रूरी है ऐसे हालातों में। स्कोरबोर्ड को आपको चलता रखना ही होता है T20 क्रिकेट में, यदि आपको एक अच्छे टोटल की तरफ जाना है तो। और पार्टनरशिप, जिस तरह से गुजरात के विरुद्ध पार्टनरशिप बनाई थी इन दो बल्लेबाजों ने, उसी तरह के पार्टनरशिप की आज ज़रूरत है नेपाल को। आने दिया गेंद को, गेंद की तरफ जाने की कोशिश नहीं थी इस दफा, केवल बैट का हल्का सा फेस खोला, बल्ले पर लगने भर दिया था और सिंगल लेने में कामयाब। अब बचे केवल 3 गेंदे पावर प्ले के खेल में। पहले मैच में पहले बैटिंग करने वाली टीम ने सिर्फ 98 रन बनाए थे, कल के मैच में 142 रन, अच्छा टोटल बनाया गया था ज़रूर बड़ौदा के बल्लेबाजों द्वारा, लेकिन शुरुआत में विकेट्स मिले नहीं थे और वो एक उनकी हार का प्रमुख कारण रहा है। एक और अच्छा सिंगल, अब लगातार सिंगल्स लेते हुए ये दोनों बल्लेबाज अनिल कुमार साह और रोहित पौडेल। नेपाल के पास बल्लेबाजी काफ़ी सशक्त है। इसके बाद मल्ला का आना बाकी है, कुशल मल्ला नेपाल के हिटमैन के नाम से मशहूर है वैसे, और साथ में दीपेंद्र सिंह ऐरी अच्छे ऑलराउंडर है। बढ़िया लाइन है इस बार, विकेट टू विकेट। जल्दबाजी नहीं करना चाहते हैं दोनों बल्लेबाज, भले ही पावर प्ले का अंतिम ओवर चल रहा है लेकिन इस ओवर में कोई भी आक्रामक शॉट खेलने की कोशिश
नहीं की गई है, क्योंकि जो शुरुआती झटके लगे हैं उनमें से उभरने की कोशिश हो रही है, लेकिन कितनी देर खामोश रहेंगे ये भी देखने वाली बात है। अनिल के लिए डीप स्क्वेयर लेग तैनात है और ऑफ साइड में स्वीपर कवर की दिशा में फील्डर मौजूद है। अंतिम गेंद पावर प्ले की, इस बार जरूर कोशिश की थी ड्राइव लगाने की, दूर से खेलना चाहते थे, बीट हुए और इसके साथ ही ओवर समाप्त होता हुआ ध्रुव पटेल का। 3 रन आए इस ओवर से, पावर प्ले का खेल समाप्त, नेपाल 26/2। तीन चेंजेस के साथ उतरी है इस मुकाबले में टीम बड़ौदा, और अभी तक जो खेल हुआ है उसमें ज़रूर थोड़ी आगे रही है बड़ौदा टीम। टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का निर्णय बिल्कुल उचित नज़र आता हुआ कप्तान विष्णु सोलंकी का। पावर प्ले का खेल पूरा हो चुका है 26/2, और अब गेंदबाजी में एक और परिवर्तन, बैट के गेंदबाज हेमंत आए हैं, लेफ्ट आर्म स्लो ऑर्थोडॉक्स डॉट बॉल के साथ शुरुआत करते हुए। कल के मैच में 2 विकेटें मिली थी हेमंत को और काफ़ी देरी से आए थे गेंदबाजी के लिए। आज जैसे ही पावर प्ले खत्म हुआ है उनको कप्तान ने इंट्रोड्यूस किया है, तो आज एक अलग रणनीति के तहत खेल रही है बड़ौदा टीम। और कहते भी है कि आप जीत से कम और हार से ज़्यादा सीखते हो, तो सीख ली है और आज खेल अभी तक बहुत अच्छा चला है टीम बड़ौदा के लिए। अच्छा स्वीप, 1 रन मिलेगा यहाँ पर। जगह बनाई थी और ऑन साइड में उठाकर खेलने का प्रयास, लेकिन बल्ले के काफी अंदर लगी गेंद और सीधे शॉर्ट मिड विकेट के पास। जैसे रूम बना रहे थे ऐसे लगा था कि शायद कवर्स के ऊपर से जाएंगे, इनसाइड आउट खेलेंगे। अब की बार बहुत ही बढ़िया फील्डिंग, मोहित मोंगिया, द सन ऑफ नयन मोंगिया। ओ अब की बार नो बॉल का इशारा अंपायर द्वारा इस बार पंच किया है लॉन्ग ऑन की तरफ, सिंगल मिलेगा। ये एक समस्या रही है, हमने देखा है अभी तक इस पारी में ये तीसरी नो बॉल है, तो बड़ौदा टीम को के गेंदबाजों को ज़रूर इसके बारे में सोचना होगा, क्योंकि एक छोटी गलती भी आपको भारी पड़ सकती है, क्योंकि फ्री हिट गेंद पर यदि बड़ा हिट आता है तो वहाँ से मोमेंटम भी शिफ्ट हो सकता है। इससे पहले जो 2 फ्री हिट मिले थे उस पर बड़े शॉट आए नहीं थे, लेकिन इस बार कोशिश की है बॉलर के सिर के ऊपर से दर्शनीय स्ट्रोक, कप्तान रोहित के बैट से 4 रन। बिल्कुल ओवर पिच गेंद और उसका फ़ायदा उठाते हुए ऊंची बैक लिफ्ट से यॉर्कर का प्रयास किया था गेंदबाज ने, लेकिन सही ठिकाने पर गिरी नहीं, और चौका बटोरा है फ्री हिट पर। आपकी बार ये स्वीप शॉट जो कि उनका मन पसंदीदा स्ट्रोक है स्पिनर्स के विरुद्ध। टेस्ट क्रिकेट में मैथ्यू हेडन को काफ़ी देखते थे हम, जब वो भारत में खेलने के लिए आते थे वो स्वीप शॉट्स का इस्तेमाल करते थे। ये चौका बहुत ही खूबसूरत था, ओमी सोल प्राइवेट लिमिटेड चौका। 7 ओवर का खेल पूरा हो चुका है, स्कोर 34 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। स्वीप शॉट खेलने में माहिर है रोहित पौडेल, चाहे फिर वो ऑर्थोडॉक्स स्वीप हो या फिर पैडल स्वीप, बहुत अच्छा खेलते हैं।
और मैदान के चारों तरफ खेलने की क्षमता है। नेपाल टीम को हमने देखा है कि शॉर्ट बॉल अभी उनके बल्लेबाजों ने काफ़ी अच्छा खेला है, एशिया कप में भी देखने को मिला था, भारत के विरुद्ध जो मुकाबला हुआ था वहाँ पर शॉर्ट पिच गेंदबाजी का अच्छा आया मुकाबला किया था नेपाल के बल्लेबाजों ने। गैप में निकाल दिया है, अब की बार शॉट फाइन लेके खिलाड़ी पीछा करते हुए लेकिन नहीं रोक पाएंगे, आउटफील्ड तेज और यह आता हुआ ओमी सोल प्राइवेट लिमिटेड चौका। एक और बाउंड्री, यहाँ पर रोहित अच्छी बल्लेबाजी करते हुए गेंदबाज की गति का इस्तेमाल किया था और देखिए थोड़ा इम्प्रोवाइज तरीके से, गेंद इतनी ख़राब नहीं थी, ऑफ स्टंप के लाइन में थी, उसको फ्लिक किया। और अब की बार कवर ड्राइव, ये भी गैप में है, एक और बाउंड्री। पिछले ओवर में फ्री हिट गेंद पर चौका जो आया है उसके बाद कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास जो है वो मानो सातवें आसमान पर पहुंच गया है कप्तान रोहित पौडेल का, और बहुत ही अच्छी तकनीक का परिचय देते हुए शॉर्ट कवर में जो खिलाड़ी थे उनको बीट किया और एक और चौका बटोरते हुए बैक टू बैक चौके निकले हैं। इस बार थोड़ा सा धीमा डाला था लेकिन उसको जल्दी परखते हुए हल्के हाथों से खेला। ओ यहाँ पर ओहो, अपील और आउट, रन आउट हो गए बल्लेबाज रोहित पौडेल, बहुत ही बड़ा नुकसान टीम नेपाल को। बहुत ही हताश और निराश होकर पेविलियन में लौटते हुए रोहित पौडेल बहुत अच्छे टच में थे, बहुत बढ़िया शॉट्स खेल रहे थे, लेकिन यहाँ पर दूसरे रन का चक्कर था और जो कि उपलब्ध नहीं था वैसे देखा जाए तो, लेकिन काफ़ी ज़्यादा बैकअप किया था दूसरे रन के लिए और जब वापस लौटना चाहा तो देर हो गई थी। 18 रन बनाकर आउट हुए है कप्तान रोहित पौडेल, गिरने वाला ये तीसरा नीलकंठ विकेट नेपाल की पारी में। देखिए थोड़ा सा पंजों के बल उछलते हुए हल्के हाथों से टर्न किया था और खुद गेंदबाज पहुंचे थे गेंद पर ध्रुव पटेल। एंड दिस कुल बी ए गेम चेंजिंग मोमेंट, जैसा कि इस टूर्नामेंट के पहले मैच में हमने देखा था रुद्रा पटेल जो रन आउट हुए थे, गुजरात के सलामी बल्लेबाज, वहां से पूरी तरह से पारी लड़खड़ा गई थी गुजरात की, दीपेंद्र सिंह एरी ने उनको रन आउट किया था, उड़ता हुआ दीपेंद्र सिंह गैरी देखा था वो उस दिन हमने। नए बैट्समैन गुलशन जगह मिली है और हाथ खोले हैं, खूबसूरत स्क्वायर कट, 4 रन मिलेंगे। बहुत ही कमज़ोर गेंद थी ये ध्रुव पटेल की, ऑफ स्टंप के बहुत ही बाहर थी और पूरा उसका फ़ायदा उठाते हुए अनिल, अनिल ने ये स्ट्रोक खेलते हुए जीत लिए हैं नेपाल के दर्शकों के दिल दिल खुश कर दिए हैं उन्होंने। 3 चौके लग चुके हैं इस ओवर में। इस बार बैट का थोड़ा फेस खोलते हुए अच्छे से टाइम किया था लेकिन सीधे फील्डर के पास गली में, वहां पर हालांकि फंबल हुआ है उसका फ़ायदा उठाते हुए बल्लेबाज। खर्चीला ओवर, हालांकि विकेट काफ़ी बड़ा मिला है रनआउट के जरिए, कप्तान रोहित आउट हुए हैं लेकिन पिछले कुछ ओवर्स में हम देख रहे हैं कि रनों की जो रफ्तार है उसको अच्छी तरह से बढ़ाया गया है नेपाल के बल्लेबाजों द्वारा और अब 6 के ऊपर चला गया है करंट रन रेट।
नेपाल टीम को चाहिए एक अच्छी पार्टनरशिप। गुलशन झा जो कि मैन ऑफ द मैच रहे थे पहले मुकाबले में, अपने गेंदबाजी के चलते मैन ऑफ द मैच रहे थे। 4 ओवर्स में 22 रन देकर 4 विकेट्स चटकाए थे, लेकिन आज बल्ले से उनको जौहर दिखाने होंगे यदि नेपाल टीम को एक अच्छे टोटल की तरफ जाना है तो। यहाँ पर एक अतिरिक्त रन मिलेगा क्योंकि लेग स्टंप के बाहर निकलती हुई गेंद ग्लांस करना चाहते थे बैट्समैन। और कभी कभी क्या होता है कि बल्लेबाज की किस्मत थोड़ी खराब रहती है, तो इस तरह की गेंदों पर भी आपको विकेट मिल जाते हैं। डाउन द लेग्स भी बल्लेबाज कई बार कॉट बिहाइंड आउट हो जाते हैं। कंडीशंस बहुत बेहतरीन है यहाँ पर, परफेक्ट प्लेइंग कंडीशंस वापी गुजरात में साई मेकपन स्पोर्ट्स लाइव क्रिकेट ग्राउंड, खूबसूरत ये मैदान है। बेहतरीन लाइन इस बार राउंड द विकेट चले गए थे, एंगल चेंज किया और बीट किया बैट्समैन को, शानदार गेंद और इसके साथ ही ओवर समाप्त हुआ 8 ओवर के पश्चात 49 पर 3 नेपाल। अभी तक इस मैच में सबसे ज़्यादा दुख तो रोहित कुमार को ही रहा होगा, जिस तरह से उन्होंने अपना विकेट गंवा दिया। एक बहुत अच्छा मौका था उनके पास लंबी पारी खेलने का, 18 रन्स बनाकर आउट हुए। इस बार बल्ले के बीचों बीच लेकर ड्राइव किया है, ऑल अलोंग द ग्राउंड लॉन्ग ऑफ मौजूद है, सिंगल यहाँ पर पूरा और इसके साथ ही 50 रन्स पूरे होते हुए टीम नेपाल के। नौवें ओवर की शुरुआत हुई है और टीम का अर्धशतक स्कोर बोर्ड पर। पावर प्ले में गेंदबाजों का राज चला, पावर प्ले के बाद जरूर बाउंड्रीज आई है, खासतौर पर पिछले ओवर में 3 चौके लगे हैं। हेमंत पुंडे का दूसरा ओवर, स्पिनर्स की यदि हम बात करें तो जरूर गेंद बीच बीच में टर्न होती भी रही है इस विकेट में। हालांकि कल का जो विकेट था वो तो अलग विकेट था, लेकिन यहाँ पर आज का जो विकेट है उसमें भी ज़्यादा कुछ बदलाव नहीं है और ज़रूर थोड़ी बहुत गेंद घूम सकती है। समय मिल रहा है बल्लेबाजों को, कोई हड़बड़ाहट नहीं, लेकिन एक बात तो है कि सीमर्स के मुकाबले स्पिनर्स को खेलना थोड़ा सा शायद आसान हो। ओहो, बाहरी किनारा लगा है और काफी फाइन निकल गई है गेंद, फील्डर पीछा तो कर रहे हैं लेकिन रोकना मुश्किल। ओहो, बढ़िया फील्डिंग वहां पर, शानदार एफर्ट, ऐसे लगा था कि शायद 4 रन मिलेंगे। विकेट कीपर के बाई तरफ से गेंद निकल गई थी, वहां पर शॉट थर्ड मैन पर मौजूद थे खिलाड़ी लक्षित, 2 रन्स बचाए उन्होंने अपनी टीम के लिए। इस बार बल्ले के बीचों बीच लेकर खेला था डीप कवर पॉइंट की तरफ, हर गेंद पर रन आया है इस ओवर में। पहली 3 गेंदों पर सिंगल्स, उसके बाद डबल मिला और अब एक और सिंगल। अच्छा ओवर ये घटता हुआ नेपाल के लिए, और इस तरह के शायद आने वाले 5-6 ओवर्स घटेंगे, विकेट बल्लेबाज नहीं देते हैं गेंदबाजों को, तो फिर आखिर के ओवर्स में बड़े शॉट्स खेले जा सकते हैं। आखिर के ओवर्स में ही नहीं, अभी भी खेले जा सकते हैं, यही दिखाते हुए बैट्समैन अनिल शाह, शानदार छक्का। जबरदस्त स्ट्रोक, अपने लॉन्ग लीवर्स का इस्तेमाल करते हुए अनिल कुमार शाह
पहला मैक्सिमम इस मुकाबले का स्लॉक किया। ये देखिए लेंथ बॉल ऑन साइड में उठाकर खेला है और बहुत ऊपर खेला हुआ स्ट्रोक था, बहुत दूर भी। ओमिसोल प्राइवेट लिमिटेड मैक्सिमम। सिक्सर के साथ ओवर को समाप्त किया वहां पर अनिल ने 61/3 नौ ओवर्स के बाद टीम नेपाल टॉस गंवाने के बाद पहले बैटिंग करते हुए, और टॉस जीतकर कोई भी कप्तान यहां पर ये पहले से ही अंदेशा था कि फील्डिंग ही करेंगे। इसके बीच एक और बॉलिंग चेंज और अब की बार बहुत ही बढ़िया कट शॉट गैप में निकाल दिया है, खूबसूरत चौका। परीक्षित आया है गेंदबाजी के लिए और पहली गेंद पर ओमिसोल प्राइवेट लिमिटेड चौका। गुलशन ने अपने हाथ खोले हैं, थोड़ी पीछे रखी हुई गेंद थी और थोड़ी जगह भी दे बैठे थे। मैकवर्ड पॉइंट और शॉर्ट थर्डमैन के बीच में से गैप ढूंढा, इस बार दिशा दिखाई है सीधे फील्डर के पास, लेकिन रन लेने का मौका जरूर था, वहां पर एक रन पूरा किया है। कल भी एक ओवर किया था परीक्षित ने, और कल जो ओवर किया था उन्होंने वो नॉर्थ साउथ एंड से किया था, आज नॉर्थ एंड से उनको गेंदबाजी के लिए लाया गया है। विविधता है उनके पास, ऑफ ब्रेक डाल सकते हैं और साथ में दूसरा डालने की भी क्षमता है, कल दिखाया था। राउंड द विकेट से गेंदबाजी करते हुए तैनात के बैट्समैन के विरुद्ध, आजकल जो टीमें खेलती है उनके पास बॉलिंग के विकल्प काफी रहते हैं। डिप स्क्वायर लेग पर खिलाड़ी मौजूद है, अब की बार एक रन। दोनों भी बिजी प्लेयर है, अनिल कुमार सा और गुलशन झा, तेज गति से रन्स बनाने के बारे में हमेशा सोचते हैं। कुशल मल्ला को अभी भी थोड़ा पीछे रखा गया है नेपाल टीम द्वारा। पहली गेंद इस ओवर की थोड़ी सी ढीली पड़ गई थी और उसका फायदा उठाया गुलशन ने। गुलशन का ऑलराउंडर है ये, एक बार फिर से वो जरूर साबित करना चाहेंगे। पहला मुकाबला अपने गेंदबाजी के बलबूते पर जिताया उन्होंने अपनी टीम को, और आज जरूर बल्लेबाजी करने का मौका मिला है, तो वहाँ पर एक अच्छी पारी खेलने का प्रयास। 10 पर पहुँच चुके हैं गुलशन और 10 ओवर के बाद 68/3 टीम नेपाल, 68 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स।
Welcome back to Friendship Cup, SMS Friendship Cup 2024, game number 3 between Nepal and Baroda. 68 for 3 after 10 overs, Nepal, and Hemant Pundey continues in his third over, tried to go for the big one there. Batter Gulshan Jha, but only managed to get the inside edge of the bat. So intentions there to score quick runs from Gulshan Jha. Anil Kumar Saha has played really well in this particular tournament. That's very well judged single. Was risky though, but excellent running between the wickets. Turning out to be a good partnership, 27 of 17 balls. Hemant Pundey has been a little expensive today, 22 from his 2.2 overs. Nicely played. But there is protection in the deep at deep cover point. Runs are coming in the form of singles. We're in the 11th over of the innings. Team Nepal didn't have a good start in this match. They lost early wickets during power play. But now these two batters are looking very well. That's nicely played and excellent fielding as well. Out in the deep cover, fantastic cricket, quality cricket. It was wonderfully played off the back foot, punched away. Look at that, they beat the bat in the 30-yard circle, but in the deep, there was wonderful effort by the fielder. Using very good technique. Both batters against spin bowlers in particular. They've handled the left arm spin bowler Hemant Pundey pretty well. Bhanu Panya was the fielder on the boundary line who saved a couple of runs. Quick delivery. Dot ball to finish yet another over. 11 gone at 74 for 3. रीबिल्ड प्रोसेस में नेपाल की टीम जरूर रही है इस पारी में, लेकिन अब फिर से स्थिति को थोड़ा नियंत्रण में लाते हुए बल्लेबाज, लेकिन ये कमाल की गेंद थी परीक्षित पाटीदार. कल उन्होंने अपने बल्ले से जौहर दिखाए थे, 17 गेंदों में 37 रनों की धुआंधार पारी खेली थी. और ये देखिए आम बॉल का इस्तेमाल, लेकिन इस बार कमाल का शॉट कवर्स के ऊपर से, दौड़ने की भी जरूरत नहीं, 4 रन. अनिल के बल्ले से एक और दर्शनीय चौका, हाथ खोलने के लिए जगह मिली थी वहां पर, थोड़ी तेज गेंद थी लेकिन हाफ वॉल ही बन रही थी, और बल्ले के बीचों बीच लेकर इनफील्ड के ऊपर से निकाला. जहां पर भी मौका मिला है बड़े शॉट खेलने का, अनिल चूके नहीं है, 25 पर पहुंच चुके हैं, ऑलमोस्ट रन बॉल खेले है. दिशा दिखाने की कोशिश, ये काफ़ी रिस्की स्ट्रोक रहता है वैसे, आपको उसमें रन्स भी मिलते हैं, लेकिन ऐसे में थर्ड मैन की तरफ खेलने के बजाय कई बार गेंद विकेट कीपर के हाथ में चली जाती है. अब की बार मौका मिला है, यहाँ पर विकेट कीपर के पास मौका है, टॉप एज और बढ़िया कैच, सफलता आखिरकार अपनी टीम को दिलाने में कामयाब हुए है परीक्षित.
पार्टनरशिप जरूर अच्छी बन रही थी, लेकिन इस बार स्लॉग स्वीप करने का प्रयास था और ये चौथा नीलकंठ विकेट, ऊपरी किनारा और स्कायर था। विकेट कीपर ने कॉल दिया था, उनके पास दस्ताने हैं और विकेट कीपर के लिए इस तरह के कैचेस उतने ज़्यादा मुश्किल होते नहीं है। वैसे फील्डर्स के लिए ज़रूर थोड़ा सा मुश्किल बन जाता है, लेकिन यहाँ पर सही कॉल विकेट कीपर पासी का, कोई गलती नहीं की उन्होंने। आज विकेट कीपिंग बहुत अच्छी रही है, इससे पहले भी एक कैच लपका था उन्होंने। 78 पर गिरा है चौथा विकेट, 25 रनों की अच्छी पारी खेलने के बाद पवेलियन में लौटे हैं अनिल कुमार साह। और अब नए बैट्समैन संदीप जोरा इन एट नंबर 6 फॉर टीम नेपाल। मिड विकेट के ऊपर से छक्का जड़ने का प्रयास किया वहां पर अनिल कुमार ने और आउट होकर पवेलियन में लौट चुके हैं। तेज गेंद यहाँ पर, क्या किनारा लगा था, ये देखने वाली बात है। विकेट कीपर के लिए मुश्किल रहता है इस तरह से जब गेंद तेज निकलती है। जहाँ बल्ले से रन आते हुए यानी कि किनारा लगा था, तो मौका जरूर निर्माण किया था परीक्षित ने। एक मिस्ट्री बॉलर के तौर पर देखा जाता है परीक्षित पाटीदार को, बहुत ही उपयोगी खिलाड़ी है। कल उन्होंने बल्ले से धूम मचाई थी इस मैदान पर, 4 छक्के जड़े थे। एसएमएस फ्रेंडशिप कप 2024 कल चौथा मुकाबला इस टूर्नामेंट का, एक बार फिर से नेपाल टीम एक्शन में आपको नजर आएंगी और उनके विरुद्ध टीम खेलेगी गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन। दोनों टीमों के बीच में उद्घाटनीय मुकाबला खेला गया था इस टूर्नामेंट का और नेपाल टीम ने 8 विकेटों से मात दी थी गुजरात को। और कल क्या गुजरात टीम नेपाल को परास्त कर सकती है, रिवर्स फिक्चर देखना मत भूलिएगा। ठीक दोपहर 2:30 बजे खेल की शुरुआत होगी। नया ओवर लेकर मोहित मोंगिया, स्पिन कराने को यहाँ पर जरूर देखेंगे मोहित, लेफ्ट आर्मर है। और इस टूर्नामेंट में हमने देखा है तीनों भी टीमों के पास अच्छे बायत के स्पिन बॉलर्स हैं। गुजरात टीम में तो बायत के गेंदबाजों की और बायत के खिलाड़ियों की भरमार है। बड़ौदा के पास भी हमने देखा है हेमंत को और अब मोहित, जिनको आज टीम में शामिल किया गया है। कड़क शॉट सामने खेला है, लेकिन सीधे फील्डर के पास पहले बाउंस पर, एक ही रन मिलेगा यहाँ पर। इक्यासी पर पहुंच चुका है इस समय नेपाल का स्कोर। और इस ओवर के बाद 7 ओवर्स का खेल बाकी है, तो अभी भी समय तो है बल्लेबाजों के पास। यहाँ से भी 150 के आसपास जरूर टोटल को लेकर जा सकते हैं बल्लेबाज, लेकिन उसके लिए विकेट पर टिकना बहुत ही जरूरी। शुरुआती ओवर्स में बल्लेबाजी करना काफी ज्यादा मुश्किल था नई गेंद के विरुद्ध खास तौर पर, लेकिन जैसे जैसे खेल आगे बढ़ रहा है, कहीं ना कहीं बल्लेबाजी करना थोड़ा सा आसान जरूर हो रहा है। जानबूझकर खेला है, थोड़ी सी तालमेल की कमी थी वहां पर, लेकिन आखिरकार सही फैसला कि रन नहीं लिया गया है, नहीं तो काफी ज्यादा जोखिम भरा हो सकता था। मोहित मोंगिया का यह पहला ओवर है। यहां पर गलती कर बैठे हैं बल्लेबाज गुलशन झा, आसान सा कैच बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में, खेनित पटेल ने कोई गलती नहीं की।
इस बार सीधी गेंद थी, विद्याम थोड़ी सी अंदर की तरफ आई टप्पा पड़ने के बाद। तो अब ये जोड़ी बहुत ही महत्वपूर्ण, संदीप चोरा भी अच्छे शॉट्स खेलने में कामयाब हो जाते हैं, अच्छे स्ट्रोक प्लेयर है और खास तौर पर विस्फोटक बल्लेबाज कुशल मल्ला नेपाल के हिटमैन। हवा में जरूर थी गेंद लेकिन फील्डर तक पूरी तरह से कैरी नहीं हुई, वहां पर कैचिंग पोजीशन में शॉट कवर में खिलाड़ी मौजूद, पॉइंट पर एक फील्डर, शॉट थर्ड मैन रखा गया है, ऑन साइड में शॉट, फाइन लेग है। इस बार थोड़ा छोटा रखा था और जब भी हमने देखा है कि शॉर्ट पिच गेंदबाजी हुई है खासतौर पर स्पिनर्स द्वारा, उस पर बल्लेबाजों को काफ़ी सुविधा हुई है शॉट्स खेलने में, और विकेट कैसा भी क्यों ना हो जब स्पिनर्स शॉर्ट पिच गेंदबाजी करते हैं तो वहाँ पर मौके तो बनते हैं बल्लेबाजों के पास। अच्छी गेंद, अच्छी लाइन। तीसरा ओवर परीक्षित का और काफी जल्दी जल्दी अपने ओवर्स भी पूरे करते हैं परीक्षित, 15 रन देकर अभी तक एक सफलता उनके खाते में। इस बार जानबूझकर खेला था लेकिन बाबा मौजूद है वहां पर, बाबा खान आज बहुत ही इंप्रेस करते हुए। बाबा खान पहले उन्होंने नई गेंद का अच्छा इस्तेमाल किया, विकेट चटकाई, दो सफलताएं प्राप्त की और अब ये जबरदस्त एफर्ट शॉर्ट थर्ड मैन की दिशा में, गेंद को पीछे जाने नहीं दिया। डॉट बॉल के साथ परीक्षित का तीसरा ओवर समाप्त होता हुआ और कुल मिलाकर 14 ओवर की समाप्ति, नेपाल 85 for 5। मात्र 6 ओवर्स का खेल बचा हुआ है और अब सही मायनों में यहाँ से डेथ ओवर्स की शुरुआत होने जा रही है। आखिर के 5-6 ओवर्स आप मान सकते हो कि डेथ ओवर्स T20 क्रिकेट में। और देखिए कमाल का शॉट, इस बार कवर को क्लियर करते हुए खूबसूरत चौका। नेपाल के फैंस के लिए नेपाल टीम का हर मुकाबला मानो एक उत्सव है, बहुत अच्छा सपोर्ट नेपाल टीम जहाँ भी खेलती है वहाँ पर उनको मिलता है। सीधी गेंद थी, बढ़िया टाइमिंग के साथ खेला हुआ स्ट्रोक और बहुत ही बढ़िया प्लेसमेंट भी, इनफील्ड के ऊपर से खेला था। संदीप का पहला चौका, यहाँ से 10 रन प्रति ओवर बल्लेबाज बनाते हैं तो जरूर 140 तक पहुंचा जा सकता है। अपने आप को यॉर्क कर लिया इस दफा जोरा ने, इस बार फ्लाइट देने का प्रयास लेकिन थोड़ा दिशाहीन हो गए थे, लेग स्टंप के हल्की सी बाहर थी गेंद लेकिन उस पर कोई बड़ा शॉट नहीं खेला जोरा ने, केवल हल्के हाथों से मोड़ा और सिंगल ले लिया है। कुशल मल्ला किस तरह से खेलेंगे इस पर काफ़ी कुछ निर्भर करेगा अब यहाँ से नेपाल टीम के लिए कि नेपाल टीम कितने स्कोर की तरफ पहुँचती है 20 ओवर्स में। ओहो, इस बार दूर गगन की छाव में भेज दिया है कुशल मल्ला ने, शानदार सिक्सर। यही तो खासियत है कुशल मल्ला की, बड़े बड़े हिट्स लगाने के लिए जाने जाते हैं ओमिसोल प्राइवेट लिमिटेड मैक्सिमम, बिल्कुल उनके पाले में गेंद थी। अब की बार थोड़ा पीछे रखा, बैकफुट पर जाकर कट किया है, एक और अच्छा शॉट लेकिन डीप पॉइंट पर प्रोटेक्शन है, एक ही रन मिलेगा। रनों की गति को तेज करने के लिए ये बल्लेबाज मशहूर है, स्लॉक किया था ऑन साइड में और खाउ कॉर्नर के ऊपर से तान दिया था बहुत दूर मैदान के बाहर, 6 रन। ओवर समाप्त हो चुका है मोहित मोंगिया का, कुल मिलाकर 16 ओवर्स की समाप्ति, 15 ओवर की समाप्ति हुई है, 5 ओवर्स अभी भी बाकी है। स्कोर 97 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट्स।
काफ़ी महंगा ओवर रहा मोहित का। पहला ओवर काफ़ी अच्छा था लेकिन दूसरे ओवर में 12 रन खर्च किए। दो ओवर में 15 रन उन्होंने दिए हैं, परीक्षित ने 3 ओवर में 15 रन दिए हैं और एक सफलता उनके भी खाते में है। सीमर्स को थोड़ा रोक कर रखा गया है, ज़्यादातर स्पिनर्स से गेंदबाजी करवाई गई है पिछले 7-8 ओवर्स की यदि हम बात करें तो। पावर प्ले में ही हमने सीमर्स को देखा, उसके बाद जो खेल हुआ है उसमें स्पिनर्स को ही आक्रमण पर ज़्यादा लाया गया है। ओ, इम्प्रोवाइज शॉट खेलने का प्रयास था, सही तरह से खेल नहीं पाए लेकिन नतीजा वही है जो बैट्समैन चाहते थे। ओमिसोल प्राइवेट लिमिटेड चौका। एज लगा था बल्ले का, रिवर्स खेलने का प्रयास था, इतना फाइन तो बिल्कुल भी खेलना नहीं चाहते थे लेकिन 4 रन मिले हैं और 100 रन भी पूरे हो चुके हैं नेपाल के। इस बार ऑन साइड में खेलते हुए मिड विकेट और स्क्वायर लेग के दरमियान डीप में से फील्डर तेजी से गेंद पर पहुंचे। ये अच्छी सोच फील्डर की क्योंकि गेंद का इंतजार करते तो 2 रन मिल सकते थे। ये देखिए वो पीछे चौका चला गया था। ये शॉट बहुत ही रिस्की होता है, स्विच हिट रिवर्स स्वीप, लेकिन इसमें रन्स भी आपको मिल जाते हैं जब आप अच्छी तरह से खेलते हो और कई बार किस्मत के सहारे। विकेटें तो गिरती रही है बीच बीच में, शुरुआत में तो ज़रूर संकट में थी नेपाल की टीम, उसके बाद भी बहुत लंबी पार्टनरशिप्स नहीं हुई है लेकिन रन गति को ज़रूर बढ़ाया है पावर प्ले के बाद बल्लेबाजों ने। अच्छा कट शॉट लेकिन सीधे फील्डर के पास। और पिछले 4-5 ओवर की यदि हम बात करें तो उसमें हर ओवर में लगभग एक बाउंड्री तो आ ही रही है, तो यहाँ से कहीं ना कहीं ज़रूर 140 150 के बारे में सोच रहे होंगे बल्लेबाज। और इस तरह के शॉट्स खेलेंगे तो उससे भी ज़्यादा बना सकते हैं। लॉफ्टेड ऑन ड्राइव लॉन्ग ऑन के ऊपर से झन्नाटेदार सिक्सर। ये दोनों भी बल्लेबाज काफ़ी खतरनाक है और इनके पाले में गेंद आएगी तो फिर उसको बख्शने वाले नहीं है। हालांकि ज़्यादा फ्लाइट भी नहीं था लेकिन स्लॉट में गिरी हुई गेंद और बिल्कुल सीधे बल्ले से फ्रंट लेग को थोड़ा सा खोलते हुए सामने उठाकर खेला है। लॉन्ग ऑन पर फील्डर भी मौजूद थे लेकिन उसकी परवाह बल्लेबाज को नहीं है क्योंकि टाइमिंग गजब की थी संदीप जोरा की। शानदार सिक्सर 16 ओवर के पश्चात 110/5 टीम नेपाल। आज भी काफ़ी अच्छी संख्या में दर्शक स्टैंड्स में मौजूद है। बड़ा मुकाबला है एसएमएस फ्रेंडशिप कप 2024 में, ये तीसरा मैच नेपाल टीम ने जीत के साथ शुरुआत की। बड़ौदा टीम की शुरुआत ज़रूर थोड़ी निराशाजनक रही, कल हार का सामना करना पड़ा लेकिन आज काफ़ी अलग प्रकार की क्रिकेट देखने को मिली है बड़ौदा की ओर से भी। और पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज खास तौर पर एक रोमांचकारी मैच की उम्मीद की जा सकती है। लक्षित आए हैं, ओ ये अद्भुत शॉट है, शॉट ऑफ द इनिंग सो फार, 4 रन। कुशल मल्ला के बैट से बेहतरीन चौका, ओमिसोल प्राइवेट लिमिटेड 4। देखिए उछाल लेती हुई गेंद थी और थोड़ा सामने खेला है, बैकफुट से खेले हैं। इसी से पता चलता है कि कितने आत्मविश्वास के साथ बैटिंग कर रहे हैं और कितना जल्दी गेंदों की लेंथ को पिक कर रहे हैं कुशल मल्ला। कुशल की कुशलता उनके बल्लेबाजी में झलकती हुई। और अब लक्षित की कुशलता देखिए, पटकी हुई गेंद, बाउंसर का अच्छा इस्तेमाल। गेंद डिलीवर होने से पहले ही 2 कदम आगे निकले थे, क्रीज छोड़कर बाहर आए थे बल्लेबाज, लेकिन शॉर्ट बॉल का अच्छा इस्तेमाल किया है लक्षित ने।
लक्षित तोक्सिया। बाबा खान, लक्षित और साथ में मोहित मोंगिया, इन तीन खिलाड़ियों को आज मौका मिला है एसएमएस फ्रेंडशिप कप में खेलने का। पहले मैच में ये तीन खिलाड़ी प्लेइंग 11 में नहीं थे। इस पर सामने गेंद जा रही है, लोफुल टॉस, तेज गेंद थी, शायद खेलना चाहते थे स्क्वायर ऑफ द विकेट ऑफ साइड में, लेकिन बल्ले के निचले भाग पर लगी थी और एक रन उस गेंद पर। प्रोजेक्टेड स्कोर की यदि हम बात करें तो इस समय 6.97 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन्स बन रहे हैं, 141 तक इसी रफ्तार से यदि जाते हैं तो पहुंचेंगे, लेकिन ज़रूर अभी भी 5 विकेटें हाथ में है। और ख़ास तौर पर ये दो बल्लेबाज जिनकी आंखें अब जमती हुई नज़र आ रही है, एक भी बल्लेबाज इनमें से आखिर तक खेलेगा तो मुझे लगता है कि 150 का आंकड़ा जो है उसको छुआ जा सकता है, उसके पार टोटल जा सकता है। अच्छी गेंद थी लेकिन उतना ही बढ़िया शॉट चॉप करते हुए, थोड़ा सा स्लाइस करते हुए। अच्छी गेंदबाजी की इस ओवर में लक्षित ने, पहली गेंद पर बाउंड्री जरूर आई थी लेकिन वो गेंद खराब नहीं थी, उस पर शॉट बहुत ही उम्दा खेला गया था कुशल मल्ला द्वारा। 15 पर बैटिंग कर रहे कुशल और संदीप 22 पर मात्र 14 गेंदों का सामना किया है। और तेज तर्रार पार्टनरशिप इस समय 6 विकेट के लिए इन दो बल्लेबाजों के बीच में पनपती हुई बीच मैदान में। ओ बढ़िया गेंद थी, इनसाइड एज, सिंगल तो मिलेगा लेकिन थोड़ी मनोवैज्ञानिक जीत आप कह सकते हो गेंदबाज लक्षित के लिए। तेज ड्राइव लगाने का प्रयास था, थोड़ा सा शरीर से दूर खेलना चाहते थे बल्लेबाज कुशल मल्ला। यहाँ से शायद बल्लेबाज अब ये सोच रहे हैं कि हर ओवर में कम से कम दो बड़े शॉट्स आने चाहिए, दो बाउंड्रीज, यानी कि आप 10 रन या फिर उससे अधिक रन्स ओवर में बना सकते हो। वाह क्या शॉट है, क्या स्टाइल है बल्लेबाज का और क्या स्वैग है, कमाल का हिट, अद्भुत शॉट है ये, 6 रन। संदीप जोरा, जोर तो नहीं लगाया था ज्यादा लेकिन अद्भुत टाइमिंग के चलते ये मैक्सिमम। ओमी सोल प्राइवेट लिमिटेड मैक्सिमम, और इस शॉट को मैं क्या नाम दूं, ये रिवर्स रैंप, क्या अद्भुत शॉट है, थर्ड मैन की दिशा में सीधा बाउंड्री के पार, फ्लैट 6। गेंदबाज की केवल गति का इस्तेमाल किया, फुल टॉस बनी थी गेंद और मात्र दिशा दिखाई वहां पर संदीप जोरा ने। बहुत अच्छी पारी खेलते हुए संदीप नेपाल के लिए, 17 ओवर के बाद 1 2 3 4 5। फिर से देखिएगा, बहुत आसानी के साथ खेला लेकिन इतना आसान शॉट नहीं है, इस तरह के शॉट्स खेलने के लिए आपको काफी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। अट्ठारह गेंदे अभी भी पारी में शेष है, यानी कि 3 ओवर्स, और जिस तरह से ये दोनों बल्लेबाज आक्रामक हो उठे हैं उसको देखते हुए कहीं ना कहीं अब थोड़ी चिंताएं बढ़ गई है बड़ौदा के कैप्टन की, तोड़ना होगा इस जोड़ी को। थर्ड मैन मौजूद है बाउंड्री पर, एक ही रन मिलेगा इस दफा। काफी तेज गतिविधियां होती है T20 क्रिकेट में और ये एक ऐसा फॉर्मेट है क्रिकेट खेल का जिसमें बहुत जल्दी चीजें बदल जाती है। काफी रोचक और दिलचस्प क्रिकेट मैच के इस पहले हाफ में अभी तक देखने को मिला है। शुरुआत में गेंदबाज हावी थे पावर प्ले के द्वारा, न उसके बाद बल्लेबाजों ने जिस तरह से वापसी की है नेपाल टीम की ओर से वो काबिले तारीफ है। रोचक क्रिकेट,
बाबा खान आए हैं अपने एक और स्पेल में। पहला स्पेल उनका खतरनाक रहा था जिसमें उनको दो सफलताएं मिली थी। अच्छा उछाल प्राप्त किया इस बार, थोड़ा सा जोर लगाते हुए हल्की सी शॉर्ट पिच गेंद डाली थी। देखिए पावर प्ले में गेंदबाजी करना, नई गेंद से गेंदबाजी करना और डेथ ओवर्स में गेंदबाजी करना दोनों भी अलग बातें हैं। कई गेंदबाजों को हम देखते हैं जो कि केवल पावर प्ले में स्पेशलिस्ट बॉलर माने जाते हैं, या फिर कुछ गेंदबाज ऐसे होते हैं जो डेथ ओवर्स के ही स्पेशलिस्ट रहते हैं, लेकिन ऐसे बहुत कम गेंदबाज होते हैं जो नई गेंद से भी अच्छा डालते हैं और डेथ ओवर्स में भी। सामने खेल दिया है, तीर की तरह सीधा स्ट्रोक, गेंद सीमा रेखा के बाहर, खूबसूरत चौका। बल्लेबाज है कुशल मल्ला और बहुत बोल रहा है इनका बल्ला। वन बाउंड छक्का, ओमिसोल प्राइवेट लिमिटेड 4। फ्रंट फुट को गेंद की लाइन से हटाते हुए बिल्कुल बॉलर के ऊपर से उठाकर खेला। इस बार शायद शॉर्ट बॉल का वेट कर रहे थे, जिस तरह से अपने आप को लाइनअप किया था उन्होंने। हालांकि गेंद हल्की सी पीछे ही रखी हुई थी और जगह भी थी, कट करने का प्रयास हुआ लेकिन चूक गए। ये वो चौका है जो इस ओवर में उन्होंने जड़ा है, बिल्कुल ओवर पिच गेंद थी। डेथ ओवर्स में बॉलर खासतौर पर तेज बॉलर्स की कोशिश होती है कि यॉर्कर डाले जाए, लेकिन यॉर्कर डालना इतना आसान होता भी नहीं है। 1 इंच भी गेंद इधर उधर हो जाती है तो वहां पर बल्लेबाजों के पास मौके बन जाते हैं। अब की बार शॉर्ट आर्म पुल, गेंद हवा में है, दो दो खिलाड़ी प्रयासरत लेकिन दोनों के बीच में जाकर गिरी है। बढ़िया फील्डिंग, ओ विकेट कीपर ने भी अच्छा कार्य किया है और अब ये मामला टीवी अंपायर के पास सौंपा गया है, थर्ड अंपायर की मदद। जहां खेलना चाहते थे वहां खेल नहीं पाए थे, स्क्वेयर लेग की तरफ खेलने का प्रयास था लेकिन सामने गई थी मिड विकेट और लॉन्ग ऑन के दरमियान दूसरे रन का प्रयास हुआ लेकिन फिर वापस लौटने की कोशिश। ओ एक ही स्टंप नजर आ रहा है विकेट कीपर को और देखिए कितना खूबसूरत ये थ्रो है, बैट्समैन आउट। आज स्टंप्स के पीछे अमित पासी ने काफी प्रभावित किया है, दो अच्छे कैच भी लपके हैं और अब ये रनआउट। गेंद काफी देर हवा में रही थी, फील्डर का भी योगदान इसमें बहुत ही बढ़िया माना जा सकता है। हालांकि थ्रो इतना सटीक नहीं था, विकेट कीपर को मशक्कत करनी पड़ी थी और एक ही स्टंप नजर आ रहा था और शानदार अंडर आर्म थ्रो उनका, काफी दूर रह गए वहां पर बल्लेबाज नीलकंठ, विकेट का पतन हुआ है। अच्छी बैटिंग करने के बाद संदीप जोरा पेवेलियन में लौटे हैं, 29 रन बनाए उन्होंने अपनी टीम के लिए 129 पर। छठा विकेट गिरा है और अब नए बैट्समैन दीपेंद्र सिंह एरी, एक और विस्फोटक बैटर क्रीज पर। आड़े बैट से सामने थप्पड़ सा लगाया है, मिड ऑफ ऊपर था उसका फायदा उठाया और 4 रन। जबरदस्त स्ट्रोक, शॉर्ट पिच गेंद और देखिए बैकफुट से सामने की तरफ ताकतवर शॉट, फोर्सिंग स्ट्रोक। जिस तरह का फील्ड प्लेसमेंट था उसको देखते हुए आप आगे गेंद कर भी नहीं सकते थे और वो रणनीति का हिस्सा था, लेकिन ये कमाल का शॉट लगाया है इनफील्ड को क्लियर करते हुए बिल्कुल सामने स्ट्रिटिश लॉन्ग ऑफ बाउंड्री के बाहर। चौके से खाता खोलते हुए दीपेंद्र सिंह एरी, बहुत ही उपयुक्त खिलाड़ी है, फील्डिंग में लायर वायर है, गेंदबाजी काफ़ी अच्छी करते हैं और जब बल्लेबाजी में मौका मिलता है तो वहाँ पर भी अच्छा योगदान देते हैं नेपाल के लिए दीपेंद्र सिंह एरी।
134 पर 6 18 ओवर्स के बाद टीम नेपाल। दो ओवर्स अभी भी बचे हुए हैं और डेथ ओवर्स में खासतौर पर नेपाल टीम के पास बहुत अच्छे बल्लेबाज है, ऐसे बल्लेबाज जो पारी को बहुत अच्छा फिनिशिंग टच दे सकते हैं, और उसमें ये दो बल्लेबाज खास तौर पर बहुत ही खतरनाक है, कुशल मल्ला और दीपेंद्र सिंह ऐरी। ध्रुव पटेल, गति परिवर्तन, हवा में है गेंद, फील्डर क्या पहुंच पाएंगे? जी नहीं, थोड़ी सी आगे गिरी है, लॉन्ग ऑफ से फील्डर ने प्रयास जरूर किया था, ऑलमोस्ट अपने जाल में फंसा लिया था वहां पर ध्रुव पटेल ने कुशल मल्ला को। गति में जो परिवर्तन किया गया था उसको भाप नहीं पाए थे, बड़ा शॉट खेलने का प्रयास पूरी तरह से मिसटाइम कर बैठे थे। दो रन मिले हैं, स्ट्राइक अभी भी कुशल मल्ला के पास। मुझे लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा गेंदे यदि खेलते हैं यहाँ से कुशल और आखिर तक खेलते हैं तो शायद वो अर्धशतक भी बनाने की काबिलियत रखते हैं। 24 पर पहुँच चुके हैं, क्योंकि इस तरह के शॉट्स खेलते हैं, डाउन द ग्राउंड लंबा ऊंचा सिक्सर। तेज तर्रार धुआंधार आतिशी विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए कुशल मल्ला भरपूर मनोरंजन कर रहे दर्शकों का। एक और ओमिसोल प्राइवेट लिमिटेड मैक्सिमम उनके बल्ले से, बड़े शॉट के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। फ्रंट लेग को गेंद के लाइन से हटाते हुए ताकि हाथ खोलने के लिए जगह बने, और बिल्कुल सामने बॉलर के ऊपर से उठाकर खेला हुआ स्ट्रोक। ताकतवर खिलाड़ी है, ताकतवर शॉट्स खेलते हैं, हिटमैन ऑफ नेपाल। एक और कड़क शॉट, लेकिन इस बार फील्डर मौजूद है पीछे। गोली की रफ्तार से निकलती है गेंद जब उनके बल्ले पर टकराती है, खासतौर पर जब अच्छे से टाइम करते हैं, और जब भी बड़ा शॉट खेलने का प्रयास करते हैं तो वो पूरी ताकत भी झोंक देते हैं, पूरे दिल से खेलना पसंद करते हैं। बहुत ही लोकप्रिय खिलाड़ी नेपाल क्रिकेट में इन दिनों कुशल मल्ला, और ना सिर्फ नेपाल क्रिकेट में बल्कि विश्व क्रिकेट में अपना सिक्का जमाते हुए, क्योंकि सबसे तेज शतक भी उनके नाम है T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में। यहां पर मौका था, डायरेक्टेड की थी जरूरत, लेकिन निशाना खता होता हुआ। स्लोवर बॉल का अच्छा इस्तेमाल किया है ध्रुव पटेल ने इस ओवर में, पूरी तरह से चकमा दिया था दीपेंद्र सिंह ऐरी को, लेकिन सिंगल चुराने में कामयाब हुए हैं। दीपेंद्र भी जानते हैं कि आंखें जम गई है कुशल मल्ला की, बहुत बढ़िया बैटिंग कर रहे हैं तो उनको ज़्यादा स्ट्राइक पर लाना बेहतर रहेगा नेपाल टीम के लिए, इसीलिए ये जोखिम उठाया गया था। 144 for 6, बढ़िया वापसी नेपाल की। नेपाल क्रिकेट के दीवाने हर जगह पहुंच जाते हैं, और नेपाल का क्रिकेट कहीं ना कहीं अब परवान चढ़ता हुआ, पिछले कुछ समय में बहुत बढ़िया प्रदर्शन नेपाल का रहा है, T20 वर्ल्ड कप के लिए भी क्वालिफाई कर चुकी है नेपाल टीम। बेहतरीन यॉर्कर, यहाँ पर अपील भी हुई है लेकिन अंपायर की सहमति नहीं, बिल्कुल ब्लॉक होल में आती हुई खतरनाक यॉर्कर गेंद थी। ध्रुव पटेल लंबे ऊंचे कद के गेंदबाज है, और जब ऊंचे कद के गेंदबाज यॉर्कर डालते हैं तो वो एक बहुत ज़्यादा खतरनाक गेंद होती है, क्योंकि डीप होकर आती है, बल्लेबाज उसको संभालने में कई बार असमर्थ रहते हैं, लेकिन यहाँ पर बाल बाल बच गए हैं बैटर दीपेंद्र सिंह। कुशल मल्ला, बल्कि कुशल मल्ला ने उस यॉर्कर को संभाला है। अब स्ट्राइक दीपेंद्र के पास, एक और अच्छी गेंद, बढ़िया ओवर रहा ये ध्रुव पटेल का, जरूर एक मैक्सिमम आया इस ओवर में, लेकिन ओवरऑल जो गेंदबाजी रही डेथ ओवर्स को ध्यान में रखते हुए बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी, एक क्वालिटी ओवर सही मायनों में ध्रुव पटेल का,
19 ओवर्स का खेल हुआ समाप्त 145 पर 6 नेपाल। बयासी पर 5 विकेट गिरे थे एक समय, लेकिन अब 145 पर 6 अंतिम 6 गेंदों का खेल शेष नेपाल की पारी में। सबसे सफल गेंदबाज बाबा खान 4 ओवर्स में 23 रन देकर 2 विकेट्स बड़ौदा के लिए। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी उनकी रही, मोहित ने एक विकेट चटकाया है। और अब आखिरी ओवर की जिम्मेदारी संभालते हुए लक्षित सामने है कुशल मल्ला, पुल किया है लेकिन मिस टाइम हिट, खुद गेंदबाज गेंद पर पहुंचे हैं, बढ़िया एफर्ट वहां पर, एक ही रन मिलेगा। कुशल नॉन स्ट्राइकर से इन पर चले गए हैं, दीपेंद्र में भी वो काबिलियत है बड़े बड़े शॉट्स लगाने की। हालांकि अभी तक सिर्फ 4 रन बना पाया है दीपेंद्र, 3 गेंदों का सामना किया है। 33 पर कुशल मल्ला, और जरूर यही कोशिश रहेगी कि कुशल को नॉन स्ट्राइकर सेन पर ही रखा जाए, बड़ौदा टीम के कैप्टन तो यही चाहेंगे। लेकिन जिस तरह से खेल चला है मैच के इस पहले हाफ में, कहीं ना कहीं ये लगता है कि ये मैच एक बहुत ही रोमांचक मुकाबला रहेगा। अच्छी टाइमिंग जरूर है लेकिन गैप में नहीं खेल पाए हैं, सीधे फील्डर के पास डीप कवर पॉइंट की तरफ, एक ही रन मिलेगा। लक्षित विकेट लेस है अभी तक इस मुकाबले में। शुरुआत अच्छी की है इस आखिरी ओवर की लक्षित ने, पहली 2 गेंदों पर 2 सिंगल्स, और अब फिर से सामने आ गए हैं कुशल मल्ला। देख लिया था बल्लेबाज थोड़ा कदमों का इस्तेमाल करना चाहते हैं, उसी को ध्यान में रखते हुए बहुत दूर रखने की कोशिश, लेकिन दिशाहीन गेंद। 148 पर पहुंच चुका है नेपाल का स्कोर इस मुकाबले में। एसएमएस फ्रेंडशिप कप 2024 साइमेकपन स्पोर्ट्स लाइव क्रिकेट ग्राउंड वापी गुजरात से ये सीधा प्रसारण दर्शकों तक पहुँचाया जा रहा है साइमेकपन स्पोर्ट्स लाइव यूट्यूब चैनल के जरिए। यहाँ पर 2 की कॉल, आखिरी ओवर चल रहा है और ऐसे सिचुएशन में 2 रन्स लेना लाजमी भी है, और इसके साथ ही 150 रन्स पूरे होते हुए नेपाल के पहली टीम बनी है नेपाल जिन्होंने 150 का आंकड़ा छुआ है एसएमएस फ्रेंडशिप कप 2024 में। हालांकि तीसरा ही मैच है और कुल मिलाकर 7 मैचेस होने वाले हैं इस पूरे टूर्नामेंट में फाइनल को पकड़कर। बड़े हिट की कोशिश लगातार हो रही है लेकिन आखिरी ओवर में अभी तक कोई भी बड़ा हिट नहीं देखने को मिला है। अच्छी गेंदबाजी, पिछला ओवर भी बहुत अच्छा था, जिस तरह से ध्रुव पटेल ने गेंदबाजी की थी उनका जो मिश्रण हमें देखने को मिला था, गति परिवर्तन, यॉर्कर का अच्छा इस्तेमाल किया था उन्होंने, लेंथ में जो परिवर्तन किया था काबिले तारीफ। और इस ओवर में अभी तक लक्षित ने काफ़ी बढ़िया कार्य किया है, लेकिन अभी भी 3 गेंदें शेष है, 2 गेंदे बची अभी। प्लान मिस, इस बार पासी द्वारा गलती हुई है, गेंद पास हो गई पीछे, 22 का इशारा। रन तो एक ही मिला है लेकिन स्ट्राइक रोटेट हुई है, सेट बैटर के पास अब स्ट्राइक है। आखिरी गेंद पारी की, बड़ा हिट आता है तो 158 तक नेपाल पहुंच सकती है, लेकिन जो रिकवरी रही है नेपाल टीम की वो ज़बरदस्त रही है। 43 पर 3 विकेट, उसके बाद 82 पर 5 विकेट गिरे थे, तब लग नहीं रहा था कि 150 के पार टोटल जा सकता है, लेकिन बढ़िया बैटिंग की है आखिर के ओवर्स में। और अंतिम गेंद पर सुंदर शॉट,
लॉफ्टेड एक्स्ट्रा कवर ड्राइव चौके के साथ इस पारी को समाप्त करते हुए कुशल मल्ला 40 रन बनाकर नाबाद। कुशल मल्ला जबरदस्त पारी 156 पर नेपाल का स्कोर 6 विकेटों के नुकसान पर 20 ओवर की समाप्ति पर और 157 रनों का लक्ष्य इस मैच को जीतने के लिए बड़ौदा के सामने। एक अच्छा टोटल इस मुकाबले में स्कोर बोर्ड पर टांग दिया है नेपाल के बल्लेबाजों ने। टॉस गंवाने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए बड़ौदा के विरुद्ध ये तीसरा मुकाबला साई मेकपन स्पोर्ट्स लाइव प्रेजेंट्स एसएमएस फ्रेंडशिप कप 2024 का वापी गुजरात में। बैटिंग कार्ड 40 रन कुशल मल्ला के बल्ले से जो कि आए थे काफ़ी लेट बल्लेबाजी के लिए, वैसे 7वें नंबर पर, लेकिन ज़बरदस्त बल्लेबाजी की है। 25 गेंदों में नाबाद 40 रनों की पारी। उनसे पहले हम देखें तो अनिल कुमार ने प्रभावित किया, 25 रन बनाए। शुरुआत उतनी अच्छी नहीं थी, सलामी बल्लेबाज 9 रन बनाकर आउट हुए। बुरतेल और मोहम्मद शेख मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाजों ने ज़रूर थोड़ा थोड़ा कॉन्ट्रीब्यूट किया, लेकिन संदीप जोरा के 29 और कुशल मल्ला के 40 रनों के चलते 156 तक पहुँची है 20 ओवर्स में टीम नेपाल। गेंदबाजी की यदि हम बात करें तो प्रारंभिक गेंदबाजों ने इम्प्रेस किया, खासतौर पर बाबा खान जिनको आज मौका मिला। 4 ओवर्स में 23 रन देकर 2 विकेट्स, दोनों तरफ गेंद को लहराया उन्होंने, नई गेंद का अच्छा इस्तेमाल किया। ध्रुव पटेल 3 ओवर में 28 रन विकेट लेस रहे, हालांकि गेंदबाजी अच्छी रही थी ध्रुव पटेल की। पुंडे को भी कोई विकेट नहीं मिला, 3 ओवर में 26 रन लक्षित महंगे साबित हुए। 4 ओवर में 34 रन, 2 ओवर में 15 रन, मोंगिया के खाते में 1 विकेट। कुछ इस तरह से हुई थी शुरुआत आज खेल की। पहले ओवर में बैकवर्ड स्क्वेयर लेग की दिशा में शानदार चौका कुशल बुरतेल ने, अच्छे शॉट्स खेले थे। मोहम्मद ने भी जिस तरह से स्टार्ट किया था लेकिन लंबे खेल ही नहीं पाए, और ये बहुत अच्छी गेंद थी जिस पर बुरतेल आउट हुए थे। विकेट कीपर अमित पासे ने आज प्रभावित किया, अच्छा कैच लपका विकेट के पीछे। पावर प्ले के दौरान ज़्यादा बड़े शॉट्स आए नहीं थे, कुछ बाउंड्रीज केवल देखने को मिली थी और दबाव में नेपाल की टीम थी। हालांकि काफ़ी दिलकश शॉट्स भी देखने को मिले, जब बल्लेबाजों ने चौके जड़े तो आकर्षक स्ट्रोक्स थे, लेकिन बहुत अधिक बड़े शॉट्स नहीं आए थे पहले 7-8 ओवर्स की यदि हम बात करें तो। अनिल कुमार ने आज एक बार फिर से अच्छा योगदान दिया अपनी टीम के लिए, अंडर प्रेशर एक बार फिर से आए थे बल्लेबाजी के लिए और लंबे हाथ तो उन्होंने दिखाए थे जब काउ कॉर्नर के ऊपर से छक्का जड़ा था। मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाजों ने लंबी पारियां तो नहीं खेली लेकिन छोटा छोटा कंट्रीब्यूशन उनका रहा है जिसके चलते स्कोरबोर्ड चलता रहा, और खासतौर पर 10वें ओवर के बाद जो रनों की रफ्तार बढ़ी वो आखिर तक देखने को मिली। और एक समय जब 82 पर 5 विकेट गिरे थे तब हालांकि लग नहीं रहा था कि 150 का आंकड़ा छू सकती है नेपाल की टीम, लेकिन डेथ ओवर्स में बहुत ही उम्दा बल्लेबाजी खासतौर पर कुशल मल्ला की रही। संदीप जोरा का भी यहाँ पर योगदान सराहनीय रहा जिन्होंने 29 रनों की अच्छी पारी खेली। संदीप जोरा और कुशल मल्ला के बीच में अच्छी पार्टनरशिप हुई थी 6 विकेट के लिए, थोड़ा किस्मत का साथ भी मिला था वहाँ पर संदीप को। कमाल कमाल के शॉट्स बैकफुट पर, खासतौर पर बहुत ही अद्भुत शॉट देखने को मिले, और ये सबसे बेहतरीन और करिश्माई शॉट था संदीप जोरा के बल्ले से जो तेज बॉलर के विरुद्ध उन्होंने खेला था, थर्ड मैन के ऊपर छक्का जड़ा था। इम्प्रोवाइज क्रिकेट भी दिखाया और खासतौर पर डाउन द ग्राउंड भी अच्छे शॉट्स। विकेट कीपर अमित पासी की मैं बात कर रहा था, उन्होंने जरूर प्रभावित किया, 2 अच्छे कैच भी लपके और एक रनआउट भी उन्होंने किया।
इस ओवर्स में जिस तरह से रन आने चाहिए थे उसी तरह से रन आए भी, लंबे लंबे शॉट्स बॉलर के ऊपर से, छक्के कवर्स के ऊपर से, अच्छे शॉट्स ऑफ साइड, ऑन साइड और सामने बहुत बढ़िया प्रहार किए कुशल मल्ला ने, उनकी कुशलता देखने को मिली। 40 रन बनाकर नाबाद रहे टॉप स्कोरर नेपाल के लिए, 156 रन 6 विकेटों के नुकसान पर। काफी अच्छा संघर्ष हो सकता है इस मैच के सेकंड हाफ में। 157 बनाने हैं 20 ओवर्स में मुकाबला जीतने के लिए और पॉइंट्स टेबल में अपना खाता खोलने के लिए एसएमएस स्प्रिंटशिप कप 2024 में टीम बरोडा को। हम ले रहे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के उस पार देखेंगे बरोडा का रंचेस।
वेलकम बैक, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एसएमएस फ्रेंडशिप कप 2024 में। मैच नंबर 3 नेपाल बनाम बड़ौदा। टॉस बड़ौदा के कैप्टन ने जीता, पहले बल्लेबाजी के लिए कहा नेपाल टीम को। खराब शुरुआत के बाद नेपाल ने अच्छी रिकवरी की और 20 ओवर्स में कुल मिलाकर 156 रन बनाए हैं 6 विकेटों के नुकसान पर, और अब 157 रनों का लक्ष्य जो है उसका पीछा करना है इस मैच को जीतने के लिए बड़ौदा के बल्लेबाजों को। सलामी बल्लेबाज मैदान में पहुंच चुके हैं पारी की शुरुआत करने के लिए। आवश्यक रन रेट रहेगा 7.85 रन प्रति ओवर पारी की शुरुआत से। किनित पटेल और उनके साथ अमित पासी विकेट कीपर बैट्समैन, यह है सलामी जोड़ी। और पहला ओवर लेकर करण कीसी काफी सफल साबित हुए थे पहले मुकाबले में। पहली गेंद किनित के लिए, बहुत अच्छी गेंद, बाहर की तरफ स्विंग होती हुई गेंद, खेलने को बाध्य करती हुई गेंद थी ये। पहली गेंद सही टप्पे पर डालना कभी आसान नहीं होता है किसी भी बॉलर के लिए। काफी ज्यादा मूवमेंट, अच्छा कंट्रोल पहले मैच में भी दिखाया था करण केसी ने। 3 विकेट चटकाए थे गुजरात के विरुद्ध। बॉलिंग अटैक काफी मजबूत है नेपाल के पास और बल्लेबाजों ने भी अच्छा काम किया है, 156 रन बनाए हैं। बढ़िया कैच, बहुत ही शानदार कैच अनिल कुमार साह द्वारा स्लिप की दिशा में। शून्य पर आउट होते हुए किनित, कल भी शून्य पर आउट हुए थे, आज भी खाता खुला नहीं है। दबाव जरूर है बल्लेबाजों पर, लेकिन कुछ वक्त यदि गुजार देते क्रीज पर तो दबाव को ट्रांसफर भी कर सकते हैं गेंदबाजों पर। काबिलियत पूरी रखते हैं, इस बार गेंद निकल गई है पीछे, विकेट कीपर का प्रयास अच्छा था लेकिन नहीं रुकी गेंद, और लेग 22 के जरिए 4 रन। पैड से टकराने के बाद गेंद काफ़ी फाइन ट्रैवल कर गई थी वहाँ पर। विकेट कीपर मोहम्मद ने कोशिश जरूर की थी लेकिन उनसे गेंद रुकी नहीं, और 4 बहुमूल्य रन्स। सोमपाल कामी गेंद को अंदर की तरफ लेकर आने की कोशिश करते हुए, कभी बाहर की तरफ लेकर जाते हैं, और बढ़िया टाइमिंग लेकिन सीधे फील्डर के पास, हालांकि मिसफील्ड हुआ है वहाँ पर पॉइंट की दिशा में, जिसका फायदा उठाते हुए बल्लेबाज। पारी की शुरुआत में गेंदों को मिडल करना बहुत जरूरी है, जिससे कॉन्फिडेंस मिलता है बैट्समैन को। और आत्मविश्वास का तो खेल है, आत्मविश्वास आपके पास रहेगा तो आप जरूर कठिन परिस्थितियों में भी अच्छा खेल पेश कर सकते हो। कमाल की गेंद, खेले ना खेले आखिरकार लगभग बल्ला तो चला दिया था। कल के मैच में भी शुरुआत निराशाजनक रही थी, शुरुआती झटके लगे थे बड़ौदा टीम को। हालांकि डेथ ओवर्स में बहुत बढ़िया बैटिंग देखने को मिली थी, खासतौर पर परीक्षित पाटीदार ने 17 गेंदों में 37 रन बनाए थे, लेकिन ज़रूर यहाँ पर कहीं ना कहीं जो मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाज है उनको अच्छा योगदान देना होगा। अमित पासी सलामी बल्लेबाज है, लगातार बीट करते हुए इस समय बल्लेबाज को सोमपाल कामी। एक और अच्छा ओवर खत्म होता हुआ, 2 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है, रन संख्या 7, 2 विकेटों के नुकसान पर।
157 रन बनाने हैं जीतने के लिए बड़ौदा को, और 7/2 इस समय करण केसी एक और नया ओवर लेकर। बढ़िया शॉट, कमाल की टाइमिंग, खड़े खड़े कवर्स के ऊपर से बहुत दूर भेज दिया गेंद को, मैक्सिमम 6 रन। पहला ओमिसोल प्राइवेट लिमिटेड मैक्सिमम टीम बड़ौदा के लिए इस मुकाबले में। हैंड आई कोऑर्डिनेशन गजब का देखने को मिला। सीधे झाड़ियों में भेज दिया है गेंद को अमित पासी ने, और इसीलिए अब गेंद भी बदली गई है। आक्रामक सोच अभी बुरी नहीं रहती है, लेकिन कितना आक्रामक खेलना है यह भी तो सोचना होगा। फ्लिक किया इस बार, एक और छक्का। अपना स्वाभाविक खेल खेलते हुए अमित पासी लगातार दूसरा सिक्सर ओमिसोल प्राइवेट लिमिटेड मैक्सिमम। इस बार थोड़ा दिशाहीन हो गए थे गेंदबाज, पैड्स की तरफ गेंद डालने का प्रयास, गति काफी है और उस गति ढीले हाथों से खेला और सिंगल बटोर लिया है वहां पर अमित पासी ने। करण केसी का पहला ओवर बहुत ही शानदार रहा था, बहुत धारदार गेंदबाजी की थी उन्होंने, 2 विकेट्स चटकाए, स्लिप में कैच आउट करवाया उन्होंने किनित पटेल को, उसके बाद शाश्वत रावत को पगबाधा आउट किया, लेकिन इस ओवर में उनके ऊपर आक्रमण किया गया है। यदि पहले ओवर में वार किया है करण ने, तो अब उनके दूसरे ओवर में पलटवार अमित पासी ने किया है। ये कहां पर खत्म हो रही थी ये देखने वाली बात है, अपील जोरदार थी लेकिन अंपायर की सहमति नहीं। रिप्ले में देखना जरूर इंटरेस्टिंग रहेगा। सिंगल इस अंतिम गेंद पर, 3 ओवर की समाप्ति, 21/2। शायद बल्ला लगा था, जी हाँ, अंपायर ने सिग्नल नहीं दिया है, यानी कि एच लगा था वहाँ पर, और टप्पा पड़ने के बाद अंदर की तरफ आ रही थी गेंद, अच्छी गेंद थी। विकेट टू विकेट जब गेंदबाजी होती है और बल्लेबाज थोड़ा भी स्क्वेयर जाने का प्रयास करते हैं ऑन साइड में खास तौर पर, तो उसमें जोखिम तो बना रहता है। पहले ही एक बल्लेबाज लेग बिफोर का शिकार बन चुके हैं इस पारी में करण केसी के विरुद्ध। करंट रन रेट इस समय 7 रन प्रति ओवर। सोमपाल कामी साउथ एंड से, कदमों का इस्तेमाल यहां पर, अब के बार मोहित ने डिसाइड किया था कि आक्रमण करेंगे लेकिन चुक गए हैं। टेम्पटेशन तो रहता ही है पावर प्ले का जब खेल चलता है, क्योंकि दो ही खिलाड़ी सर्कल के बाहर होते हैं और बल्लेबाज जरूर चांसेस लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन परिस्थिति को भांपते हुए बैटिंग करना इस समय काफी महत्वपूर्ण रहेगा, काफी जरूरी होगा जहां तक बड़ौदा टीम का सवाल है। बढ़िया गेंद, लेकिन उतना ही शानदार डिफेंसिव स्ट्रोक, ठीक गेंद के लाइन के पीछे जाते हुए बल्लेबाज मोहित मोंगिया।
आज मौका मिला है मोहित को, गेंदबाजी भी मिली उनको और वहाँ पर भी ज़रूर कामयाब साबित हुए, एक सफलता प्राप्त की। लेकिन ये बड़ा टास्क है इस समय उनके सामने, बल्लेबाजी अच्छी करनी होगी, एक लंबी पारी उनसे ज़रूर अपेक्षित है। ऑन द राइज खेला है लेकिन सीधे फील्डर के पास, ओ डायरेक्ट हिट ज़रूर लगी है लेकिन देखता है, ओहो ऑन फील्ड अंपायर चले टीवी अंपायर के पास। हालांकि पहले प्रयास में ऐसे लगा कि बल्लेबाज पहुंच चुके हैं, लेकिन अभी देखना है कि क्या नतीजा, क्या निर्णय आता है। डायरेक्ट हिट पर मामले नज़दीकी हो जाते हैं, लेकिन समय रहते ही बल्लेबाज अपने क्रीज में वापस लौट चुके थे। पहले थोड़ा बैकअप किया था सिंगल के लिए वहां पर अमित पासी ने, लेकिन जैसे ही देखा कि गेंद सीधे फील्डर के पास चली गई है और थोड़ी तेज भी ट्रैवल कर रही थी गेंद, ऐसे में मौका बिल्कुल भी नहीं था सिंगल का और समय रहते ही अपने क्रीज में वापस लौटे हैं। नेपाल टीम की फील्डिंग बहुत ही गजब की है, पहले मैच में भी गुजरात के विरुद्ध देखने को मिला था, पूरी जान लगा दी थी उनके खिलाड़ियों ने और दीपेंद्र सिंह एरी का वो रनआउट दर्शक कभी भी नहीं भूल सकते हैं, जिस तरह से रुद्र पटेल को उन्होंने आउट किया था शॉट मिड ऑन की दिशा में, एक ही हाथ से गेंद को उठाकर डाइव लगाते हुए थ्रो किया था उन्होंने स्टंप्स पर, जगह बनाई, ओ इस बार बाहरी किनारा और निकल गई है गेंद पीछे, लेकिन ओ बोल्ड हो गए, ऐसे लगा कि शायद पहले बल्ले पर लगी है लेकिन गेंद स्टंप्स को टकराने के बाद निकली है और बैट्समैन आउट, मोहित मोंगिया निराश होकर पेविलियन की राह पर, तीसरा झटका लगा है बड़ौदा को। ये देखिए जगह बनाई थी और बैट का फेस खोला, थर्ड मैन की तरफ खेलने का इरादा था, खेला तो ज़रूर लेकिन गेंद बाउंड्री लाइन पार करने से पहले स्टंप्स पर टकरा चुकी थी। ओहो ये कोई और दिन होता तो शायद गेंद स्टंप्स के ऊपर से निकल जाती, विकेट कीपर के बगल में से निकल जाती, लेकिन नहीं वैसा कुछ नहीं हो पाया और सीधी बेल्स को ट्रिम करती हुई गेंद बल्ले से टकराने के बाद 3 रन बनाकर पेविलियन में लौटे हैं मोहित मोंगिया, लड़खड़ाती हुई पारी बड़ोड़ा की 21/3, 157 रनों की है चुनौती 20 ओवर्स में यह मुकाबला जीतने के लिए बड़ोड़ा के सामने। अमित पासी को एक अच्छा स्टार्ट मिला है, दो बड़े हिट्स जड़े हैं उन्होंने, 14 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं लेकिन दूसरे छोर से लगातार विकेटें गिरती जा रही है और अब कप्तान मैदान में पहुंचे हैं विष्णु सोलंकी। स्लिप मौजूद है विष्णु के लिए, मिडल किया है पहली गेंद को, बहुत अच्छे बल्लेबाज है कप्तान विष्णु सोलंकी, आक्रामकता है उनके पास लेकिन इस समय कहीं ना कहीं धैर्य की परीक्षा है। विकेटों का जो पतझड़ पहले ही ओवर से शुरू हुआ है उसको रोकना होगा पहले तो बल्लेबाजों को। अच्छी गेंद थी इनसाइड एज लेकिन कोई नुकसान नहीं इस गेंद पर, अंदरूनी किनारा लेने के बाद गेंद पैड्स पर टकराई थी। बेहतरीन ओवर यहां पर समाप्त करते हुए सोमपाल का अमी, सफल ओवर रहा सोमपाल का, 4 ओवर के पश्चात 21/3 टीम बड़ोड़ा। चार ओवर्स खत्म हुए हैं और कल चौथा मुकाबला है एसएमएस फ्रेंडशिप कप 2024 का, देखना मत भूलिएगा, दोपहर 2:30 बजे से सीधा प्रसारण साई मेकपन स्पोर्ट्स लाइव यूट्यूब चैनल पर, नेपाल बनाम गुजरात, ये रिवर्स फिक्चर है
टूर्नामेंट का पहला मुकाबला भी इन्हीं दो टीमों के बीच में खेला गया था, जिसमें नेपाल टीम ने बाजी मारी थी। कल जरूर गुजरात की जो टीम है वो वापसी करने का प्रयास करेगी नेपाल के विरुद्ध, हालांकि वापसी तो हो चुकी है गुजरात की। सब चार चार चल रहा है अभी, देखिए स्क्रीन पर चार अलग अलग एंगल्स भी आपको देखने को मिल रहे हैं। चार ओवर्स खत्म हो चुके हैं और कल चौथा मैच है। गुलशन आक्रमण पर पहले मैच के हीरो, डायरेक्ट हिट, और फिर से टीवी अंपायर की मदद ली गई है। नेपाल के खिलाड़ियों को लग रहा है कि यहां पर उनको विकेट मिल गई है, जश्न मनाना शुरू कर दिया है उन्होंने, और फैंस भी काफी खुश। हो गया काम यहां पर अमित पासी का, चौथा विकेट गवा दिया है बड़ौदा ने। पिछले ओवर में बच गए थे, पिछले ओवर में भी डायरेक्ट हिट लगा था और रनआउट की अपील हुई थी, लेकिन उस वक्त वापस लौटे थे अपने क्रीज में सुरक्षित। इस बार सिंगल चुराने का प्रयास किया, सिंगल चुराने की चेष्टा की बल्लेबाजों ने, और नेपाल के खिलाड़ी इस तरह के मौके चूकते नहीं है। 21 पर 4, शिकंजा कसती हुई इस मुकाबले पर टीम नेपाल। जस्ट बैक ऑफ लेंथ गेंद थी ये, और थोड़ा बैकफुट पर जाकर हल्के हाथों से खेला था, हालांकि बॉटम हैंड को ढीला छोड़ते हुए, लेकिन क्या कमाल की फील्डिंग और सटीक निशाना वहां पर। दीपेंद्र सिंह एरी एक बार फिर से उन्होंने कमाल कर दिया है, पहले मुकाबले में भी बहुत ही बड़ी सफलता दिलाई थी। फील्डिंग में लाइव वायर है, देखिए तेज गति से आए गेंद पर, और एक ही एक्शन में गेंद को उठाकर थ्रो किया उन्होंने, बिल्कुल भी समय बर्बाद नहीं किया और बल्लेबाज को बिल्कुल भी समय नहीं दिया क्रीज में पहुंचने का। अमित पासी 14 रन बनाकर आउट हुए है। यहाँ पर थोड़ा सा आसान जरूर होता है बल्लेबाजों के लिए रन्स लेना जब भी गेंद पैट्स की तरफ आती है। सिंगल से खाता खोलते हुए कप्तान विष्णु सोलंकी, और अब नंबर 6 पर परीक्षित पाटीदार आए हैं। कल बहुत अच्छी बल्लेबाजी की थी परीक्षित ने, कल बड़ौदा टीम ने पहले बल्लेबाजी की थी टॉस हारने के बाद, और शुरुआत खराब रही थी, उसके बाद परीक्षित जब क्रीज पर आए तो वहाँ से चीज़ें बदली थी। 17 गेंदों में 37 रन बनाए थे, लेकिन आखिर के ओवर्स में आए थे। आज काफ़ी जल्दी क्रीज पर उनका आगमन हुआ है, केवल 5वां ओवर इस समय प्रगति पर। गुलशन झा, अनुशासन है इस गेंदबाज के पास। पहले दो गेंदबाजों की तुलना में हम देखें तो गुलशन बहुत अधिक तेज गति से नहीं करते हैं। सोमपाल के पास काफ़ी अच्छी रफ्तार है, करण केसी के पास भी बढ़िया रफ्तार है, लेकिन गुलशन की रफ्तार ज़रूर दोनों से थोड़ी सी कम लगती है, लेकिन एक्यूरेसी पर ध्यान देते हैं, और यही तो खास बात है गेंदबाजी में। हमने विश्व क्रिकेट में देखा है ग्लेन मैकग्रा को, बहुत अधिक रफ्तार नहीं थी लेकिन एक्यूरेसी, जिसकी वजह से दुनिया के सबसे खतरनाक गेंदबाज माने गए। शॉन पोलक को भी हमने देखा, साउथ अफ्रीका के एक महान खिलाड़ी, जो बहुत तेज तो नहीं थे लेकिन सटीक लाइन और लेन पर गेंदबाजी करते थे। तो ये जरूरी नहीं कि आपके पास बहुत अधिक गति ही होनी चाहिए बल्लेबाजों को तंग करने के लिए।
यदि सही टप्पे पर आप गेंदबाजी करोगे तो ज़रूर अच्छे अच्छे बल्लेबाजों को आप तंग कर सकते हो। हवा में गेंद और सीधे फील्डर के हाथों में गेंद, आसान सा कैच वहां पर दीपेंद्र सिंह ऐरी के लिए, पांचवी सफलता प्राप्त कर ली है टीम नेपाल ने। आज परीक्षित भी जल्दी चित हो गए वहां पर, जल्दी खेल बैठे, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड अर्ली खेल बैठे वहां पर और ऑन द राइज खेला था। देखिए बल्ला थोड़ा सा जल्दी वहां पर आता हुआ गेंद की तरफ और गेंद थोड़ी सी लेट आई थी जिस वजह से स्ट्रोक पर कंट्रोल नहीं रख पाए, हवा में गेंद चली गई थी, नीचे रखने की ज़्यादा कोशिश हुई नहीं वहां पर, शॉट पर कंट्रोल नहीं था और सीधे फील्डर के पास दीपेंद्र सिंह ऐरी इस तरह के कैचेस ड्रॉप करने वाले नहीं है, सबसे बेहतरीन फील्डर्स में से एक दीपेंद्र सिंह ऐरी। लक्ष्य दिल्ली और देहरादून की तरह दूर नजर आता हुआ, डगर बहुत ही मुश्किल यहां से बड़ौदा के लिए, 22/5। भानो आए हैं, दैट्स अ गुड लीव, सफल ओवर खत्म करते हुए गुलशन झा 22/5। यदि बड़ौदा टीम की हम बात करें तो कहीं ना कहीं कुछ खिलाड़ी इस टूर्नामेंट में नज़र भी नहीं आ रहे हैं, जिसमें सलामी बल्लेबाज जोस्नील सिंह है जो कि पूरी तरह से स्वस्थ नहीं है जिस वजह से इस प्रतियोगिता में खेल नहीं रहे हैं और शुरुआत ही दिक्कत वाली रही है, दोनों भी मुकाबलों में बल्लेबाजी का जहाँ तक सवाल है। अच्छा स्कोर नेपाल के बल्लेबाजों ने बनाया पहले बल्लेबाजी करते हुए, 156 रन 6 विकेटों के नुकसान पर, जिसमें 40 रनों की ताबड़तोड़ पारी देखने को मिली डेथ ओवर्स में कुशल मल्ला द्वारा, संदीप जोरा के 29 रन, महत्वपूर्ण योगदान उनका भी रहा। रोहित को शुरुआत अच्छी मिली थी, रोहित ने अच्छे शॉट्स खेले थे लेकिन रनआउट हुए थे। बल्लेबाजी में शुरुआत उतनी अच्छी नहीं थी नेपाल की लेकिन गेंदबाजी में शुरुआत कमाल की है। अभी तक इस पारी में जो सिंगल्स बने हैं उसमें हमने देखा है कि जब भी गेंद पैड्स पर आई है वहाँ पर बल्लेबाजों ने ज़रूर रन्स लिए हैं और बिहाइंड स्क्वेयर ऑन साइड में गेंदों को टर्न करते हुए सिंगल्स लिए गए हैं। सोमपाल कामे अपने तीसरे ओवर में है इस समय, बढ़िया गेंदबाजी, बहुत ही अनुशासन के साथ गेंदबाजी करते हुए अभी तक सिर्फ 4 रन खर्च किए हैं, एक सफलता उनके खाते में, दो सफलताएं प्राप्त की है करण केसी ने, एक सफलता गुलशन के खाते में और एक बैट्समैन रनआउट हुए हैं और यहाँ पर थोड़ा सा अनुशासन गवाते हुए गेंदबाज उसका फायदा उठाया है, बहुत ही बढ़िया फ्लिक शॉट, चौका मिलेगा यहाँ पर विष्णु को। ओमिसोल प्राइवेट लिमिटेड चौका,
बिहाइंड स्क्वेयर खिलाइयों का कलात्मक उपयोग करते हुए लॉन्ग लेग से खिलाड़ी प्रयासरत थे, लेकिन उनके भी पहुंच से बाहर थी गेंद, बिल्कुल गैप में निकाल दिया था वहां पर विष्णु सोलंकी ने। मिडल और लेग स्टंप पर आती हुई हाफ वाली, उसका अच्छा फायदा उठाते हुए कप्तान। इस बार बेहतर लेंथ और बेहतर लाइन भी सम्मान देने पर मजबूर किया अब की बार विष्णु सोलंकी को। विकेट का अच्छा इस्तेमाल किया है नेपाल के सीमर्स ने। ज्यादा शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंदबाजी नहीं हुई है, ज्यादा जगह नहीं दी है बल्लेबाजों को हाथ खोलने के लिए। गुड लेंथ पर गेंदबाजी या फिर हल्का सा आगे रखने की कोशिश हुई है। फील्डिंग में थोड़ा सा परिवर्तन, फाइन लेग के खिलाड़ी अब सर्कल के अंदर और जो बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर खिलाड़ी थे सर्कल के अंदर उनको बाउंड्री लाइन पर तैनात किया गया है। हाथ बंधे हुए हैं कहीं ना कहीं विष्णु सोलंकी के, क्योंकि टीम की स्थिति इस समय नाजुक है और हर गेंद पर आप प्रहार नहीं कर सकते हो, और अच्छी गेंदों को तो अब आपको सम्मान देना ही पड़ेगा। इस तरह से किसी बल्लेबाजी करने वाली टीम की जब शुरुआत होती है पावर प्ले में, तो जो दबाव बनता है उसमें से बाहर निकलना एक टेढ़ी खीर बन जाती है। रिक्वायर रेट भी बढ़ता जा रहा है। इस बार बढ़िया ऑन ड्राइव, लेकिन कमाल का क्षेत्र रक्षण गुलशन झा, होल हार्टेड क्रिकेटर। और नेपाल टीम की यही खासियत है, आप नेपाल के खिलाड़ियों को देखोगे तो 100% देते हैं, कोशिश उनकी हमेशा यही रहती है कि 100% कमिटमेंट दे। निश्चित रूप से 3 रन बचाए अपनी टीम के लिए गुलशन झा ने। पावर प्ले का खेल समाप्त होता हुआ 29 for 5। अब यह है समीकरण बड़ौदा के सामने, 84 गेंदों में 128 रन चाहिए। आधी टीम बहुत जल्दी पवेलियन में लौट चुकी है। कप्तान को एक कप्तानी पारी खेलनी होगी, लंबी पारी खेलनी होगी, तब जाकर इस मैच में वापसी कर सकती है बड़ौदा टीम। और भानु पर भी अब एक बड़ी जिम्मेदारी है, इन दो बल्लेबाजों को जरूर एक लंबी साझेदारी भी करनी होगी। और दोनों तरफ ध्यान देना होगा, विकेट तो बचाना है आपको, लेकिन जो रनों की गति है उनको भी तो बढ़ाना होगा। इस बार जानबूझकर खेला है थर्ड मैन की तरफ। गुलशन का पहला ओवर सफल रहा, दो खिलाड़ी उसमें आउट हुए थे, एक बैट्समैन रन आउट हुए, अमित पासी, वो बहुत बड़ा विकेट, और उसके बाद सफलता प्राप्त की गुलशन झा ने। शॉर्ट कवर में आसान सा कैच, वहां पर बल्लेबाज थमा बैठे थे दीपेंद्र सिंह ऐरी को। बिल्कुल ऊपर वाली लेंथ पर गेंदबाजी, अच्छा ड्राइव, लेकिन एक ही रन वहां पर मिलेगा बैट्समैन को। देखिए नेपाल की भी शुरुआत निराशाजनक रही थी, 43 for 3 थे एक समय, और उसके बाद पावर प्ले के बाद खासतौर पर बल्लेबाजों ने थोड़ा अटैकिंग माइंडसेट दिखाया, आक्रमण किया और
वो एक महत्वपूर्ण चीज़ रही थी नेपाल के लिए कि स्कोरबोर्ड उनका चलता रहा और आखिर में जब विकेट हाथ में रही तो वहाँ पर और ज़्यादा रनों की रफ्तार को बढ़ाया गया। कुशल मल्ला ने उसका फ़ायदा उठाया। इस बार बीट हुए है बैट्समैन, अच्छी गेंद, बहुत दूर से बल्ला फेंक दिया था इस गेंद पर विष्णु सोलंकी ने। तो अटैकिंग क्रिकेट नेपाल का देखने को मिला है इस टूर्नामेंट में अभी तक, वही अटैकिंग सोच क्या यहाँ पर अब बड़ौदा टीम की ओर से देखने को मिल सकती है। 8 पर बैटिंग करते हुए कप्तान विष्णु, 2 पर खेल रहे भानु। इस बार फ्रंट फुट पर आकर अच्छा ड्राइव जरूर था, लेकिन जो खिलाड़ी है शॉर्ट कवर में उनको बीट नहीं कर पाए। ज़्यादातर ऑफ स्टंप या फिर उसके आसपास ही गेंदों को रखने का प्रयास करते हैं गुलशन झा, जो एक प्रोबिंग लाइन होती है उस पर गेंदबाजी करने की ज़्यादा कोशिश उनकी होती है और इसीलिए सफल भी साबित हुए हैं। लेंथ में अच्छा परिवर्तन करते हैं। ये देखिए अब की बार हल्का सा बाहर की तरफ मुंह कराया था गेंद को, ड्राइव करने के लिए आमंत्रित किया था बैट्समैन को। बहुत ही खूबसूरत गेंद और इसके साथ ही एक और अच्छा ओवर समाप्त होता हुआ गुलशन झा का। 7 ओवर की समाप्ति, स्कोर है 31 रन 5 विकेटों के नुकसान पर टीम बड़ौदा। अविनाश बोहरा आए हैं गेंदबाजी के लिए और ओवर की पहली गेंद पर सिंगल। जब तक बड़े शॉट्स नहीं आएंगे तब तक यहाँ पर गेंदबाजों पर दबाव नहीं बनेगा, क्योंकि जो रिक्वायर्ड रेट है वो लगभग 10 के करीब पहुँचता हुआ। कप्तान रोहित पौडेल एक बहुत ही चतुर कप्तान है, उनके बॉलिंग चेंजेस पहले मैच में भी बहुत ही ज़बरदस्त रहे थे और आज भी अभी तक बढ़िया कप्तानी। रोक नहीं पाया इस बार गेंदबाज, फॉलो थ्रू में थोड़ा सा अपने बाई तरफ बढ़े थे लेकिन गेंद उनके बगल में से पीछे निकल गई है। अब यहाँ से इस मैच को कितना लंबा लेकर जा सकते हैं बल्लेबाज, कितना डीप लेकर जा सकते हैं, ये देखने वाली बात है। चलिए कोशिश यही है कि कम से कम स्ट्राइक को रोटेट करते रहना है, यदि कोई कमज़ोर गेंद मिलती है तो ज़रूर उस पर प्रहार करने की कोशिश हो सकती है। लेकिन नेपाल की गेंदबाजी कुछ इस तरह की है कि कमज़ोर गेंदें बहुत ही कम डालते हैं नेपाल के गेंदबाज। खैर रहे इस समय तो शायद दूर की नहीं सोच रहे होंगे बल्लेबाज, किसी तरह से आने वाले 3-4 ओवर्स तक इसी तरह से बल्लेबाजी शायद वो करते रहने का प्रयास कर सकते हैं। बढ़िया गेंदबाजी, अपनी मर्यादाओं में रहते हुए गेंदबाजी करने का प्रयास यहाँ पर अविनाश बोरा का। बहुत ज़्यादा रफ्तार उनके पास है नहीं इसीलिए रूम तो दे नहीं सकते, ज़्यादा शॉर्ट पिच गेंदबाजी भी करेंगे तो जानते हैं कि बल्लेबाज उस पर कड़े प्रहार कर सकते हैं। और फ्रंटलाइन गेंदबाजों ने जो अच्छा कार्य किया है, जो दबाव बनाया है उसको बरकरार रखने की कोशिश
यहाँ पर करते हुए अविनाश, विकेट टू विकेट, भले के बीचों बीच लगी थी इस बार गेंद सीधे लॉन्ग ऑन के पास। एक और सिंगल, चार सिंगल्स आ चुके हैं अविनाश बोहरा के इस ओवर में। दर्शक इस समय थोड़े से शांत और खामोश, क्योंकि बल्लेबाज भी थोड़े खामोश है, थोड़ा शांत क्रिकेट चल रहा है वापी में, साई मेकपन स्पोर्ट्स लाइव क्रिकेट ग्राउंड पर। बहुत ही बढ़िया लाइन पर गेंदबाजी पूरे ओवर में, कोई कमजोर गेंद नहीं डाली, सिर्फ चार रन आए इस ओवर से। आठ ओवर की समाप्ति, स्कोर है 35 रन 5 विकेटों के नुकसान पर। आवश्यक रन गति अब 10 के ऊपर चली गई है प्रति ओवर, 10.17 रन प्रति ओवर। करंट रन रेट केवल 4.38 का चल रहा है, 72 गेंदों में 122 की है दरकार। कुशल मल्ला, एक और बॉलिंग चेंज, और पहली गेंद ढीली थी, फुल टॉस बनी थी, लेकिन उसका ज्यादा लाभ नहीं उठा पाया है बल्लेबाज। मात्र 1 रन प्राप्त किया है विष्णु सोलंकी ने उस फुल टॉस गेंद पर। जिम्मेदारी का एहसास है विष्णु सोलंकी को, कप्तान है, टीम फंसी हुई है, जिम्मेदारी अपने कंधों पर यहाँ पर लेने की कोशिश। और कप्तान को केवल खेलना नहीं है बल्कि अन्य जो बल्लेबाज है उनको भी अपने साथ खिलाना है। यहाँ से एक 40-50 रनों की पार्टनरशिप यदि बनती है तो जरूर मौका बन सकता है। और T20 क्रिकेट में हम कई बार देख चुके हैं, आखिर के 5 ओवर्स में 60-70 रन भी चेज हुए हैं। तो अब यहां से मैच को डीप लेकर जाना ही बेहतर रहेगा बड़ौदा के लिए। 12 पर बैटिंग करते हुए इस समय विष्णु, 5 पर भानुपानिया। कुशल मल्ला ने बैटिंग धुआंधार की इस मुकाबले में, 25 गेंदों में 40 रनों की नाबाद पारी खेली। पारी को बहुत अच्छा फिनिशिंग टच दिया और उनके बीच में जो पार्टनरशिप हुई थी उनके और संदीप जोरा के बीच में 6 विकेट के लिए, वो एक ज़बरदस्त पार्टनरशिप रही थी जिसने कहीं ना कहीं खेल का रुख पलट कर रख दिया। इस लाइन पर गेंदबाजी होगी क्योंकि वहां पर प्रोटेक्शन है स्वीपर कवर में, और स्पिनर्स गेंदबाजी करेंगे तो सिंगल सिंगल्स भी आते रहेंगे, तो मुझे नहीं लगता है कि वहां पर नेपाल टीम पर कोई ज्यादा दबाव बनेगा, क्योंकि अब ओवर्स भी बीतते जा रहे हैं और रिक्वायर रेट ऑलरेडी 10 के ऊपर जा चुका है। यदि वो 14-15 के करीब पहुंच गया तो फिर बहुत ज्यादा मुश्किल रहेगा। देखिए फिर से बैकफुट पर जाने का मौका मिला बैट्समैन को, बढ़िया फील्डिंग, फील्डर्स तो बिल्कुल भी ढील नहीं छोड़ रहे हैं। अभी तक तीनों भी टीमों की हम बात करें तो सबसे बेहतरीन फील्डिंग साइड नजर आई है SMS फ्रेंडशिप कप 2024 में नेपाल। 9 ओवर की समाप्ति, इट्स 41 for 5। कठिन चुनौती इस मुकाबले में बड़ौदा के सामने, लेकिन थोड़ा सा स्थिति को नियंत्रण में लाने की कोशिश में बल्लेबाज इस बार ऑन द राइज ड्राइव करना चाहते थे, लेकिन नीचे रही गेंद टप्पा पड़ने के बाद
गुलशन झा एक बार फिर से आक्रमण पर आए हैं। गेंदबाजों को बहुत अच्छी तरह से रोटेट करते रहे हैं कप्तान रोहित पौडेल। और लगातार जब गेंदबाज भी बदलते रहते हैं तो बल्लेबाजों के लिए भी थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ता है। ओ उछाल लेती हुई गेंद थी लेकिन बढ़िया तरीके से खेला है, दिशा दिखाई डीप थर्ड मैन की तरफ। एक ही रन मिलेगा यहाँ पर भानु को। भानु पानिया एक ऐसे खिलाड़ी है जो सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी में खेले थे बड़ौदा टीम की ओर से, और फाइनलिस्ट टीम रही है सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी 2023 की बड़ौदा। कलाइयों का अच्छा उपयोग करते हुए थोड़ा लेट खेलते हुए विष्णु सोलंकी। वैसे स्वाभाविक तौर पर एक विस्फोटक बैटर माने जाते हैं विष्णु सोलंकी, लेकिन यहाँ पर सिचुएशन को देखते हुए अभी तक काफ़ी शांत खेले हैं, समझा भी जा सकता है। एक तो कप्तान है, बहुत बड़ा उत्तरदायित्व उनके कंधों पर, लेकिन कभी भी गियर्स चेंज कर सकते हैं, क्षमता रखते हैं बड़े हिट्स लगाने की विष्णु सोलंकी और साथ में भानु भी। एक और सिंगल, सिंगल्स जरूर उपलब्ध हो रहे हैं इस समय बल्लेबाजों के लिए, लेकिन बीच बीच में बाउंड्रीज का आना भी अब जरूरी हो जाता है बड़ौदा टीम के दृष्टिकोण से यदि हम देखें तो। यहाँ से और 113 रनों की आवश्यकता है इस ओवर के बाद, सिर्फ 10 ओवर्स का खेल बचेगा इस मुकाबले में। शीशा दिखाया है इस बार गेंद को सीधे बल्ले से बॉलर के बगल में से पंच किया डाउन द ग्राउंड। सिंगल यहाँ पर फिर से प्राप्त करते हुए बल्लेबाज, लगातार सिंगल्स आते हैं तो भी शायद फील्डिंग साइड को कोई ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, लेकिन जैसे ही बड़े स्ट्रोक्स खेलना शुरू करेंगे बल्लेबाज तो निश्चित रूप से वहाँ पर फिर सोचने वाला विषय बन जाएगा टीम नेपाल के लिए भी। पारी को स्थिरता देने की कोशिश हो रही है क्योंकि 5 विकेट बहुत जल्दी गिरे थे, 22 पर 5 खिलाड़ी आउट हुए थे। बढ़िया बाउंसर लेकिन अच्छे कंट्रोल के साथ खेला है, हवा में खेलने की कोशिश नहीं की वहां पर भानु ने, नीचे रखने में कामयाब रहे। एक और सिंगल, 5 सिंगल्स आए गुलशन के इस ओवर में, 3 ओवर गुलशन के समाप्त हो चुके हैं, 8 रन देकर 1 विकेट और 10 ओवर के पश्चात 46 पर 5 बड़ौदा। वक्त हो चला है ड्रिंक्स ब्रेक का, 10 ओवर का खेल बाकी है और बड़ौदा टीम को अभी भी चाहिए 111 रन। दस ओवर के बाद यदि हम देखें तो 68 पर 3 नेपाल टीम थी और 46 पर 5 है इस समय बड़ौदा, काफ़ी अंतर है दोनों टीमों के बीच में।
आखिर के जो 10 ओवर्स थे वहाँ पर नेपाल के बल्लेबाजों ने धूम मचाई थी। संदीप जोरा और कुशल मल्ला ने बहुत ही आकर्षक शॉट्स खेले थे। 157 रनों का पीछा जारी है इस समय वापी के इस खूबसूरत मैदान पर बड़ौदा टीम के बल्लेबाजों द्वारा। शुरुआत काफ़ी ख़राब रही, शून्य पर पहले 2 विकेट्स गिरे, तीसरा 21 पर, चौथा भी 21 पर और पांचवा विकेट 22 पर, लेकिन उसके बाद ज़रूर थोड़ा वक्त गुजार लिया है कप्तान विष्णु सोलंकी और भानु पानिया ने। छठे विकेट के लिए एक पार्टनरशिप बनती हुई नज़र आ रही है। 24 रन अभी तक जोड़ लिए हैं इन दो बल्लेबाजों ने। 15 पर बैटिंग कर रहे कप्तान विष्णु सोलंकी, 21 गेंदों का सामना किया है और 13 गेंदों में 10 पर बल्लेबाजी करते हुए भानु पानिया। किनित पटेल एक बार फिर से असफल रहे, आज भी खाता उनका खुला नहीं। अमित पासी अच्छा खेल रहे थे, वो एक पॉजिटिव नज़र आ रहा था। दो बड़े हिट्स भी जड़े थे, छक्के लगाए थे बैक टू बैक अमित पासी ने करण केसी के विरुद्ध, लेकिन दुर्भाग्यवश तरीके से रन आउट हुए सिंगल चुराने के चक्कर में। तो अब 10 ओवर्स में 111 रनों की आवश्यकता है। अनदर 111 रन्स रिक्वायर्ड टू विन फ्रॉम रिमेनिंग 10 ओवर्स टू विन दिस कॉन्टेस्ट फॉर टीम बरोडा। दर्शक काफ़ी रुचि ले रहे हैं इस टूर्नामेंट में, और यदि ऑनलाइन आपको इस प्रतियोगिता को देखना है तो जाइएगा साई मेकपन स्पोर्ट्स लाइव यूट्यूब चैनल पर। सभी ऑनलाइन व्यूवर्स का हार्दिक स्वागत है, और जो दर्शक इस समय स्टैंड्स में मौजूद है उनका भी हार्दिक स्वागत है साई मेकपन स्पोर्ट्स लाइव की ओर से, जो कि इस टूर्नामेंट के प्रस्तुत करता है। कुशल मल्ला रिंग्स ब्रेक के बाद निकाल दिया गेंद को स्वीपर कवर की दिशा में। वहां पर जो फील्डर है उनको काफी बिजी रखा गया है। फील्डिंग के मुताबिक गेंदबाजी की जा रही है, बड़े शॉट्स ज्यादा देखने को नहीं मिले हैं इस पारी में। हवा में गेंद, किनारा लगा था बल्ले का, लेकिन पहले ही टप्पा खाती हुई शॉट थर्ड मैन की दिशा में। सोमपाल कामी वहां पर मौजूद है। देखिए, अब ज़रूर थोड़ा डिफरेंट माइंडसेट रहेगा यहाँ पर बल्लेबाजों का, क्योंकि दोनों बल्लेबाज जानते हैं कि केवल क्रीज पर टिकना नहीं है बल्कि तेज़ गति से रन्स भी बनाने हैं, इसलिए आक्रमण करने की कोशिश हो रही है। इस बार गैप भी ढूंढा है, अच्छा शॉट, काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी है वहाँ पर जोरा को। अच्छा क्षेत्ररक्षण, बहुत दूर से पहुँचे गेंद की तरफ और बाउंड्री नहीं होने दी है। 2 रन यहाँ पर ज़रूर मिले हैं। एक ही रन बल्कि लिया, 2 रन हालांकि मिल सकते थे, बल्लेबाज थोड़े से स्लिप हो गए थे वहां पर जिस वजह से एक ही रन पर संतुष्ट हुए। हालांकि शॉट काफी अच्छा था विष्णु का। इस बार बड़ा हिट, ये जाएगी मैदान के बाहर सीधे दर्शक दीर्घा में। 6 रन, बहुत ही शानदार शॉट, स्लॉग स्वीप किया और वाइड स्ट्रिप मिड विकेट के ऊपर से भेज दिया गेंद को मैदान के बाहर। ओमिसोल प्राइवेट लिमिटेड मैक्सिमम, एक और इस बार बिल्कुल सामने खेल दिया है, एक और तगड़ा प्रहार, एक और ओमिसोल प्राइवेट लिमिटेड मैक्सिमम। अब यहाँ से ये खेल जो है एक अलग पेस पर चल रहा है। पहले 10 ओवर्स में गेंदबाज पूरी तरह से हावी, लेकिन अब आक्रमण शुरू हो चुका है बड़ौदा के बल्लेबाजों द्वारा। भानु पानिया ऑन फायर, पहले मिड विकेट के ऊपर से छक्का, उसके बाद थोड़ी दूर गेंद डालने की कोशिश थी कुशल मल्ला की,
पार्ट टाइमर गेंदबाजी कर रहे हैं और कहीं ना कहीं उनको टारगेट किया जा रहा है। बैक टू बैक सिक्सेस, स्कोर उछलता हुआ 60 रन, 5 विकेटों के नुकसान पर यह पहला सिक्सर। बिल्कुल उनके आर्क में गेंद थी, हिटिंग जोन में थी, ये ज़रूर दूर थी, लेकिन देखिए उसके बावजूद भी सामने प्रहार किया है और ये तो बहुत ही बेहतरीन शॉट था। पहला यदि सुंदर था तो दूसरा अति सुंदर था, स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड। 14 रन आए कुशल के दूसरे ओवर से, 60 पर 5, 11 ओवर के समाप्ति पर बड़ौदा। अब जो दरकार है वो है 97 रनों की, यहाँ से 54 गेंदों का खेल शेष है। रिक्वायर्ड रेट 10 के ऊपर है, 11 के करीब है और बल्लेबाज ज़रूर कोशिश करेंगे कि इसको 8 के नीचे लेकर आए, और यदि आखिर के 2-3 ओवर्स में, हालांकि 10-11 रन प्रति ओवर का भी रहता है रिक्वायर्ड रेट, तो रन्स बनाए जा सकते हैं यदि आपके पास विकेट है तो। गुलशन आक्रमण पर, गुलशन के विरुद्ध बड़े शॉट्स खेलना बहुत मुश्किल रहा है दोनों भी मैचेस में। एक और किफ़ायती स्पेल, एक और सफल स्पेल गुलशन का झाका। अंतिम ओवर है गुलशन का और ज़रूर कप्तान रोहित चाहेंगे कि गुलशन यहाँ पर सफलता प्राप्त करे, क्योंकि पार्टनरशिप बन रही है और अब ये पार्टनरशिप खतरनाक लग भी रही है। पुल करने का प्रयास, बल्ले के थोड़ी अंदर लगी है और सामने चली गई है। 2 रन यहाँ पर ज़रूर मिलेंगे क्योंकि फंबल हुआ है, डीप में से फील्डर ज़रूर आए थे गेंद पर, हालांकि ये ज़्यादा देखने को मिला नहीं है। नेपाल की जो फील्डिंग रही है वो काफ़ी ज़बरदस्त रही है, पहले मैच में भी कोई ज़्यादा गलतियाँ देखने को नहीं मिली थी फील्डर्स द्वारा। इस मैच में भी अभी तक क्षेत्ररक्षण बहुत ही उम्दा रहा है, लेकिन इस दफ़ा ज़रूर हल्का सा फंबल जिसका फ़ायदा उठाया है विष्णु ने। 40 रनों की हो चुकी है ये साझेदारी अब छठे विकेट के लिए विष्णु सोलंकी और भानु पानिया के बीच में। पार्टनरशिप्स का खेल है क्रिकेट का, पार्टनरशिप्स जब बल्लेबाज बनाते हैं तो ज़रूर दबाव बनता है विपक्षी टीम पर। और आप देखिए क्रैकिंग ड्राइव, लेकिन सीधे फील्डर के पास, स्क्वेयर ऑफ द विकेट, बहुत ही तेज ड्राइव था ये, स्क्वेयर ड्राइव किया था लेकिन फील्डर को बीट नहीं कर पाए, और थोड़ा सामने खेलते तो ज़रूर वहाँ पर कुछ और रन्स मिल सकते थे। कैलकुलेशन यहाँ पर नज़र आ रहा है बल्लेबाजों का कि हर ओवर में कम से कम एक बाउंड्री अर्जित करनी है, एक चौका या फिर एक छक्का, ताकि जो 10 के ऊपर का रिक्वायर्ड रेट है वो काबू में रहे। पटकी हुई गेंद, इस बार शॉर्ट आर्म जाप और गैप में निकाल दिया है, दो खिलाड़ी प्रयासरत, ज़बरदस्त कोशिश कप्तान रोहित पौडेल की, क्या बेहतरीन क्रिकेट देखने को मिल रहा है। गेंदबाज अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि बैट्समैन को तंग किया जाए, बल्लेबाज रन्स बनाने के लिए देख रहे हैं और फील्डर्स है कि मानते नहीं है, नीचे रखा था इस शॉर्ट पिच गेंद को, हवा में खेलने का बिल्कुल भी प्रयास नहीं और थोड़ा सामने खेला था इन फ्रंट ऑफ स्क्वेयर, और ये कमाल का एफर्ट स्लाइड करते हुए कप्तान रोहित पौडेल उदाहरण देकर नेतृत्व करते हुए 2 रन बचाए उन्होंने अपनी टीम के लिए। क्रिकेट की अच्छी गुणवत्ता देखने को मिलती हुई इस मुकाबले में और मैच रोचक स्थिति में बना हुआ है। थोड़ा सा बैट का फेस खोला, पॉइंट की तरफ ढकेलते हुए सिंगल यहां पर भी मिलेगा, 6 रन आ चुके हैं इस ओवर से, अभी भी एक गेंद गुलशन झा के स्पेल में शेष है। गुजरात के विरुद्ध कहर बरपाया था उन्होंने, 4 विकेटें चटकाई थी, सिर्फ 22 रन दिए थे 4 ओवर्स में, आज भी काफी इकोनॉमिकल रहे हैं। ओ बढ़िया गेंद, लेकिन नतीजा बल्लेबाज के पक्ष में, बाहरी किनारा और भाग्य का सहारा, मिलेगा चौका।
बहुत ही बेहतरीन गेंद थी गुलशन झा के स्पेल की अंतिम गेंद, अतिरिक्त उछाल था उसमें, लेकिन शॉर्ट थर्ड मैन और विकेट कीपर के बीच में से गेंद निकल गई ओमिसोल प्राइवेट लिमिटेड 4 के लिए। और किस्मत का साथ मिलना भी जरूरी है कहीं ना कहीं यदि बड़ौदा टीम को इस मैच को जीतना है तो रनों का आना जरूरी, और रन आते हुए पिछले दो ओवर्स में अच्छे रन आए हैं। ड्रिंक्स ब्रेक के बाद खेल काफी हद तक बदला हुआ नजर आ रहा है। 12 ओवर्स के बाद 70 रन 5 विकेटों के नुकसान पर बड़ौदा, 26 पर भानु पानिया 19 गेंदें खेली है, 27 गेंदों में कप्तान विष्णु 23 पर बल्लेबाजी करते हुए, और अब करण केसी को एक बार फिर से आक्रमण पर लाया गया है। पहले स्पेल में दो करारे झटके देते, पारी के पहले ही ओवर में उन्होंने दो विकेट्स चटकाए थे, किनित पटेल को आउट किया था और शाश्वत रावत को। आठ ओवर्स का खेल बाकी है, यानी कि 48 गेंदें शेष है, 87 रन अभी भी बनाने हैं बड़ौदा टीम को। नजरें जम गई है दोनों भी बल्लेबाजों की, और नेपाल टीम की जो काफी मजबूत पकड़ थी पावर प्ले के दौरान इस मुकाबले पर, वो थोड़ी सी ढीली होती हुई नजरें बदली तो नजारे बदले। विष्णु सोलंकी और भानु पानिया जब से क्रीज पर आए हैं खेल अलग लगने लगा है। शुरुआत में थोड़ा सा वक्त लिया दोनों बल्लेबाजों ने, लेकिन अब अटैक भी करते हुए। दिशा इन गेंद, हालांकि अच्छी विकेट कीपिंग वहां पर, नेपाल की जो गेंदबाजी है हमने देखा है कि उन्होंने बहुत ही बढ़िया डिसिप्लिन दिखाया है गेंदबाजी में, लेकिन इस दफा लेग स्टंप के काफी बाहर भटक गए थे करण। पहले मैच में भी मुझे याद आता है कि गुजरात के विरुद्ध केवल 2 अतिरिक्त रन खर्च किए गए थे। लेकिन अब कहीं ना कहीं दबाव नेपाल के गेंदबाजों पर भी है, क्योंकि ये जो पार्टनरशिप है ये सरदर्द बनती जा रही है नेपाल के लिए। दोनों बल्लेबाजों ने जब अपने पारी की शुरुआत की थी तो कहीं ना कहीं डॉट गेंदे खेल रहे थे, क्योंकि उस वक्त टीम की स्थिति काफी नाजुक थी, लेकिन जैसे ही खेल आगे बढ़ता जा रहा है अब लगभग हर गेंद पर रन्स बना रहे हैं। एक अच्छा मुकाबला वापी के साई मेकपन स्पोर्ट्स लाइव क्रिकेट ग्राउंड पर चलता हुआ इस समय नेपाल बनाम बड़ौदा, रोचक और दिलचस्प क्रिकेट। करण केसी के विरुद्ध ज्यादा आक्रमण करने की कोशिश नहीं है, क्योंकि करण एक प्रमुख गेंदबाज है और सदी भी लाइन और लेन पर गेंदबाजी करते हैं, लेकिन जरूर वेट कर रहे हैं कहीं ना कहीं उनके विरुद्ध भी दोनों बल्लेबाज की कमजोर गेंद कब डालेंगे। तो फंडा बिल्कुल क्लियर है यहां से कि कमजोर गेंद जैसे ही आएगी उस पर तो बड़ा प्रहार करना ही है। चार रन आ चुके हैं पहली तीन गेंदों पर करण केसी के इस ओवर में। पहले जो दो ओवर्स किए थे उसमें सिर्फ 15 रन दिए थे और 2 सफलताएं प्राप्त की थी। बहुत अच्छी गेंदबाजी, कटकर अंदर की तरफ आती हुई गेंद बहुत सटीक लेंथ पर रखते हुए, गुड लेंथ पर ज्यादातर गेंदबाजी करने का प्रयास दोनों भी बल्लेबाज खेले हैं। जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम, विष्णु सोलंकी और भानु दोनों भी बल्लेबाज खेले हैं, जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम, विष्णु सोलंकी और भानु पानिया जब क्रीज पर आए थे तो बहुत ही दबाव में थी टीम, विपरीत परिस्थितियों में बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी की है, लेकिन ये ओवर अच्छा यहाँ पर फिनिश करते हुए नजर आ रहे हैं करण केसी, लगातार दूसरी डॉट गेंद। अब यहां से एक एक गेंद महत्वपूर्ण साबित हो सकती है इस मुकाबले में, एक एक रन काफी कीमती, और विकेट की अहमियत तो कुछ ज्यादा ही है, क्योंकि यदि यहां पर ब्रेक थ्रू दिलाने में कामयाब होते हैं गेंदबाज करण केसी या फिर कोई और गेंदबाज अगले ओवर में, तो फिर से खेल बदल सकता है। नए बैट्समैन के लिए इतना आसान होता नहीं है जाते ही बड़े शॉट्स खेलना,
और इसीलिए विकेट तो बिल्कुल भी जल्दी देना नहीं चाहेंगे और डीप लेकर जाना चाहेंगे ये दोनों भी बल्लेबाज। अंतिम गेंद पर सिंगल, 13 ओवर की समाप्ति, 75/5 बड़ौदा। और अब यह है समीकरण बड़ौदा के सामने, 42 गेंदों में 82 रनों की जरूरत। पिछला ओवर इकोनॉमिकल ओवर घटा करण केसी का और उसके चलते जो रिक्वायर्ड रेट है वो 11 के काफ़ी ऊपर चला गया है, 11.71 रन प्रति ओवर के हिसाब से। अब रन्स बनाने की चुनौती है, 7 ओवर्स में 82 रन्स। नेवर लेकर सोमपाल कामी, इस बार उठा के खेल दिया है डीप इन विकेट की दिशा में, फील्डर जज करते हुए, ओहो, लाजवाब, बेमिसाल, अद्भुत, असाधारण, जबरदस्त कैच। गेंद को कैच तो किया है लेकिन जरूर अंपायर चेक करना चाह रहे हैं क्या ये कैच लेते वक्त जो दाहिना पैर है फील्डर का वो बाउंड्री लाइन को टच तो नहीं हुआ है। और क्या टेक्नोलॉजी है, क्या टेलीकास्ट है, जरा देखिए, संदीप जोरा थे वहां पर और फेयर कैच है, क्लीन कैच है, बहुत ही बड़ी सफलता विष्णु सोलंकी बड़ौदा टीम के कैप्टन आउट होकर पेविलियन में लौटते हुए। लेकिन बहुत ही जबरदस्त एक जुझारू पारी ये रही विष्णु सोलंकी की, छक्का जड़ने का प्रयास था लेकिन डीप मिड विकेट की दिशा में संदीप ने अद्भुत कैच लेकर उनकी पारी को समाप्त कर दिया है। 25 बनाए विष्णु ने, 75/6 बड़ौदा। एक बार फिर से देखिए किस तरह से एक ही पैर पर शरीर का संतुलन बनाते हुए ये कैच लपका है। शॉट भी बहुत अच्छा था, फ्लिक किया था, पिकअप फ्लिक शॉट था, ऊंचाई ज्यादा रही और ये दर्शनीय कैच संदीप जोरा ने कमाल किया है। इस टूर्नामेंट का अभी तक का सबसे बेहतरीन कैच यदि इसे कहा जाए तो गलत नहीं होगा। ध्रुव पटेल नए बल्लेबाज, जरूर लोअर ऑर्डर में आए हैं लेकिन काबिलियत रखते हैं ध्रुव पटेल बल्लेबाजी करने की। थर्ड मैन बाउंड्री पर, फाइन लेग बाउंड्री पर एक डीप बैकवर्ड स्क्वायर ले गए, थोड़ा सा पीछे रखा था, पंच कर दिया है, सिंगल मिलेगा यहाँ पर ध्रुव पटेल अपना खाता खोलते हुए। अब ध्रुव भी जानते हैं कि ज़्यादा वक्त यहाँ पर ज़ाया नहीं किया जा सकता है क्योंकि आवश्यक रन गति जो है वो काफ़ी ज़्यादा है और जिम्मेदारी यहाँ से भानु पानिया के कंधों पर भी बढ़ जाती है। कप्तान के साथ मिलकर बहुत अच्छा खेले भानु पानिया लेकिन कप्तान अब पेविलियन में लौट चुके हैं और एक करिश्माई कैच की ही शायद ज़रूरत थी साझेदारी को तोड़ने के लिए क्योंकि दोनों बल्लेबाज बहुत अच्छे नियंत्रण के साथ खेल रहे थे। इस बार कट कर दिया है, अच्छा शॉट ज़रूर है लेकिन उतनी ही शानदार फील्डिंग और उतनी ही बढ़िया दौड़ विकेटों के बीच में, गुड क्रिकेट ऑल अराउंड, 2 रन पूरे यहां पर। सोमपाल के पास अच्छी गति है लेकिन गति जब आपके पास अच्छी होती है तो अनुशासन भी उतना इंपॉर्टेंट रहता है, आप थोड़ा सा भी दिशा से भटक जाते हो तो उसका फायदा बल्लेबाज उठा लेते हैं, गेंदबाज के गति का इस्तेमाल करते हुए शॉट्स खेलते हैं बल्लेबाज। कुछ इस तरह से यह अद्भुत शॉट है, ऑन द राइज खेल दिया है और सीधे मैदान के बाहर, होमिसॉल प्राइवेट लिमिटेड मैक्सिमम। भानु पानिया का क्लास झलकता हुआ इस शॉट में, फ्रंट फुट को थोड़ा सा आगे निकालते हुए ऑन द अप खेला है,
सिर काफी स्थिर रखते हुए गजब की टाइमिंग सीधे वाइडिश लॉन्ग ऑफ बाउंड्री के बाहर। इस बार दिशा दिखाई है, थर्ड मैन मौजूद है बाउंड्री लाइन पर, एक रन मिलेगा। बहुत ही शानदार पारी खेलते हुए भानु पानिया, स्ट्राइक रेट को जिस तरह से बढ़ाया है भानु पानिया ने वो काबिले तारीफ है। और जो ये देखिए एक बार फिर से एक अलग एंगल से ये सिक्सर जो कि वाइडिश लॉन्ग ऑफ के ऊपर से खेला था उन्होंने डिप में, हालांकि वहाँ पर कोई फील्डर नहीं था, लेकिन टाइमिंग बेमिसाल देखने को मिली। मात्र 37 गेंदों का खेल यहाँ से बचा हुआ है। अंतिम गेंद पर भी सिंगल, स्ट्राइक ध्रुव पटेल के पास रहेगी जब नए ओवर की शुरुआत होगी। 14 ओवर का खेल समाप्त, स्कोर हुआ है 86 रन 6 विकेटों के नुकसान पर। तो अब आखिर के 6 ओवर्स में 71 रनों की आवश्यकता है, 71 मोर रन्स रिक्वायर्ड टू विन इन रिमेनिंग 36 बॉल्स। कप्तान रोहित से बातचीत की है, वहाँ पर अंपायर ने यह बताया है उनको कि आप 2 मिनट पीछे चल रहे हो इस समय। क्रिकेट के खेल में रूल्स में समय समय पर थोड़े बहुत बदलाव होते रहते हैं। और अब दीपेंद्र सिंह ऐरी आक्रमण पर आते हुए, आज काफ़ी इंतज़ार करवाया है कप्तान ने उनको गेंदबाजी के लिए। ध्रुव पटेल के पास स्ट्राइक, साधारण स्तर का क्षेत्ररक्षण, जहां पर कोई रन नहीं होना चाहिए था वहां पर 2 रन मिले हैं ध्रुव पटेल को। शॉट एक्स्ट्रा कवर की जाने, फील्डर मौजूद थे, सीधे फील्डर के पास खेला था, अच्छी टाइमिंग जरूर थी लेकिन प्लेस नहीं कर पाए थे, फील्डर ने गलती की, उसका फायदा मिला है। तेज गेंद फायर किया इस बार यॉर्कर, दीपेंद्र सिंह ऐरी। क्लीन बॉल्ड, एक और जबरदस्त यॉर्कर और सफलता दीपेंद्र सिंह ऐरी के खाते में। जगह बनाकर खेलने का प्रयास था वहां पर, लेकिन बहुत ही तेज गति से डाली हुई गेंद थी है और सटीक यॉर्कर, काम तमाम होता हुआ यहां पर ध्रुव पटेल का 7वां झटका लगा है बड़ौदा को। यू तो स्पिनर है लेकिन ये थोड़ी सीमअप गेंद भी थी उनकी, और देखिए तेज फेंकी हुई परफेक्ट यॉर्कर, चारों खाने चित कर दिया ध्रुव पटेल को। पिछली गेंद भी यॉर्कर थी, वो ऑफ स्टंप के थोड़ी बाहर थी लेकिन इस बार बिल्कुल स्टंप्स की दिशा में, और इससे पहले कि बल्लेबाज बल्ला चलाते वहां पर काम तमाम हो चुका था, रफ्तार में भी बीट किया। अच्छी पार्टनरशिप जरूर बनी 6ठे विकेट के लिए, लेकिन अब एक बार फिर से विकेट्स गिरने शुरू हो गए हैं, अब केवल 3 विकेट्स बचे हुए हैं। विष्णु सोलंकी का जो कैच लपका है संदीप जोरा ने, क्या टर्निंग पॉइंट है इस मैच का, लग तो ऐसे ही रहा है फिलहाल, लेकिन अभी भी खेल बाकी है और वैसे भी भविष्यवाणी नहीं की जाती है क्रिकेट के खेल में, कभी भी कुछ भी हो सकता है। हेमंत पुंडे आए हैं बल्लेबाजी के लिए, भारत के खिलाड़ी, फिर से फुलर लेन की गेंद, ड्राइव करना चाहते थे लेकिन इनसाइड एज और गेंद जूते पर भी टकराई थी, लेकिन कोई नुकसान नहीं इस गेंद पर, जबरदस्त गेंदबाजी दीपेंद्र सिंह ऐरी की।
इस बार सिंगल ज़रूर मिलेगा, लेकिन सिंगल डबल से कोई ज़्यादा परेशानी अब नहीं है नेपाल के गेंदबाजों को और नेपाल के कप्तान रोहित पौडेल को। और रोहित ने एक बार फिर से जो बॉलिंग चेंज किया है वो रंग लाया है नेपाल के लिए। जिस चीज़ को छू रहे हैं वो चीज़ सोना बन रही है। कुछ ऐसे दिन चल रहे हैं इस समय रोहित पौडेल के। ओ, हवा में ज़रूर थी लेकिन बॉलर से थोड़ा दूर खेलने में कामयाब। अब सबकी निगाहें जो है वो भानु पानिया पर है, क्योंकि ये उम्मीद की सबसे बड़ी किरण है इस समय टीम बड़ौदा के लिए। सफल ओवर खत्म करते हुए दीपेंद्र सिर्फ 4 रन खर्च किए और एक सफलता उनके खाते में। 15 ओवर का खेल समाप्त, स्कोर 90 रन 7 विकेटों के नुकसान पर। पांच ओवर्स में अब 67 रनों की जरूरत है। हर ओवर के बाद जो रिक्वायर रेट है वो बढ़ता जा रहा है। 10 से 11 पर चला गया, 11 से 12 पर, और अब 12 से सीधा 13 के ऊपर चला गया है। 13.40 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन्स बनाने की आवश्यकता है। करंट रन रेट केवल 6 रन प्रति ओवर का है। 90 गेंदों में 90 रन्स बनाए हैं बड़ौदा के बल्लेबाजों ने। 157 का है लक्ष्य इस मैच में बड़ौदा के सामने, लेकिन अभी भी उम्मीद है यहाँ पर दर्शकों को कि बड़ौदा टीम यहाँ से भी वापसी कर सकती है, क्योंकि भानु पानिया अभी भी क्रीज पर डटे हुए हैं, जो कि 38 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। मात्र 25 गेंदों का सामना किया है। एक जुझारू पारी अभी तक भानु पानिया की रही है। अविनाश पटकी हुई गेंद, हवा में गेंद और दर्शनीय कैच, शॉर्ट थर्ड मैन की दिशा में करण केसी ने कमाल कर दिया है। और जिस विकेट की जरूरत थी वो विकेट अपने टीम को दिलाते हुए अविनाश बोहरा भानु पानिया पवेलियन की राह पर। दर्शनीय कैच, कैचिंग लाजवाब रही है नेपाल की। बाउंसर का इस्तेमाल, अपरकट करने की कोशिश थी लेकिन सही तरह से टाइम नहीं कर पाए। टॉपेज लगा वहाँ पर, गेंद ज़्यादा खास गेंद थी ऐसे नहीं कहा जा सकता है, साधारण सी गेंद थी, बहुत ज़्यादा पटका था और वहाँ पर मिस टाइम कर बैठे अपने शॉट को। लेकिन कैच अद्भुत, आसान कैच नहीं था करण केसी के लिए, काफ़ी दूरी तय करनी थी अपनी बाई तरफ दौड़ते हुए। ये बहुत ही सुंदर रनिंग कैच लपका है उन्होंने। और 38 रनों की पारी खेलने के बाद पवेलियन में लौट चुके हैं भानु पानिया। जीत की तरफ अग्रेसर एक और मुकाबले में, एसएमएस फ्रेंडशिप कप 2024 में टीम नेपाल। मात्र अब 2 विकेट्स बचे हैं बड़ौदा के पास। 29 गेंदों में 67 रनों की जरूरत। नंबर 10 पर बाबा खान, अच्छा बाबा खान को टीम में शामिल किया गया और निराश नहीं किया उन्होंने, नई गेंद का अच्छा इस्तेमाल किया, 2 विकेट चटकाए अपनी टीम के लिए। सबसे सफल बॉलर रहे, 4 ओवर में 23 रन देकर 2 सफलताएं उनके खाते में। उनका जो काम था वो उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से किया, जिसके लिए उनको टीम में लाया गया था वो काम तो किया उन्होंने, लेकिन अब बल्लेबाजी के लिए भी आना पड़ा है और देखना है कि बल्ले से क्या कर पाते हैं। स्वागत उनका यॉर्कर के साथ, लेकिन बढ़िया तरीके से डिग आउट किया है एंड वक्त पर बल्ला नीचे लाते हुए ऑन ड्राइव किया और सिंगल से अपना खाता खोला है बाबा खान ने। ये मैच समाप्त होने के बाद और 2 मैचेस खेलने का मौका मिलेगा दोनों भी टीमों को। नेपाल का भी ये दूसरा मुकाबला है और बड़ौदा टीम का भी दूसरा मुकाबला है। गुजरात टीम 2 मैचेस खेल चुकी है, पहले मैच में हार मिली, दूसरे मैच में जीत दर्ज की है उन्होंने, लेकिन बड़ौदा का खाता खुलता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। एक और बढ़िया गेंद, उतनी ही शानदार फील्डिंग भी फॉलो थ्रू में। जो जज्बा नेपाल के खिलाड़ियों का देखने को मिल रहा है वो खास बनाता है इस टीम को। देखिए मैच की सिचुएशन क्या है इससे फर्क नहीं पड़ता है,
खिलाड़ी यही सोच रहे हैं कि हमें हर वक्त अपना 100% देना है। फॉलो थ्रू में बहुत ही बेहतरीन फील्डिंग, और उसके बाद बैट्समैन को रन आउट करने का भी प्रयास किया था, लेकिन सुरक्षित है अपने क्रीज में बल्लेबाज। अक्रॉस द लाइन खेलने का प्रयास, इस बार ठीक तरह से खेल नहीं पाए और कोई रन नहीं इस गेंद पर भी। ओ, ये दर्दनाक हो सकता है। हेमंत पुंडे दर्द से कराहते हुए इस समय, और तुरंत ही फिजियो जो है वो मैदान में पहुंचे हैं। 91-8। चलिए थोड़ा सा ट्रीटमेंट वहां पर दिया जाएगा हेमंत पुंडे को। कल का ये मुकाबला देखना मत भूलिएगा। नेपाल टीम एक बार फिर से एक्शन में नजर आएगी एसएमएस फ्रेंडशिप कप 2024 में, और सामने टीम रहेगी गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन। गुजरात टीम की वापसी हुई है इस टूर्नामेंट में, पहला मैच हारने के बाद दूसरे मैच में जिस तरह से उन्होंने खेल पेश किया है काबिले तारीफ। रुद्रा पटेल बहुत अच्छे फॉर्म में है, सलामी बल्लेबाज गुजरात के। पहले मैच में भी अच्छा खेले थे, लेकिन कल दूसरे मैच में उन्होंने अर्धशतक जड़ा, 70 रनों की पारी खेली और अपनी टीम को जीत दिलाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। ये मैच ऑफिशियल्स एसएमएस फ्रेंडशिप कप 2024 के लिए, आज के इस मुकाबले के लिए अंपायर्स की यदि मैं बात करूँ तो आकाश तोमर और होमियार कासद, थर्ड अंपायर रोमिन पटेल, मैच रेफरी है मेहुल पटेल। काफ़ी कठिनाइयों में इस समय बड़ौदा टीम पूरी तरह से बैकफुट पर, कप्तान विष्णु सोलंकी और भानु जब खेल रहे थे तो ज़रूर मैच में रोचकता पैदा हुई थी, क्योंकि एक अच्छी पार्टनरशिप दोनों के बीच में बन रही थी, लेकिन अद्भुत कैच के जरिए उसका पार्टनरशिप का खात्मा किया गया। संदीप जोरा ने कमाल किया बाउंड्री लाइन के करीब, और उसके बाद एक और अच्छा कैच हमें करण केसी द्वारा देखने को मिला शॉट थर्ड मैन की दिशा में। तो फील्डर्स का योगदान बिल्कुल भी नदारद नहीं किया जा सकता है नेपाल टीम के लिए। इस बार क्विकर डिलीवरी, छोटे बॉलिंग रनअप के साथ तेज गेंदबाजी कर रहे हैं इस समय दीपेंद्र सिंह ऐरी। देखिए महज 4-5 कदमों का बॉलिंग रनअप है, और ऐसे लगता है कि गेंदों को फ्लाइट कराएंगे, टर्न कराने के लिए देखेंगे, लेकिन तेज डाल रहे हैं। तेज गेंद, तेज शॉट, सीधा उठा दिया है और सीधे साइड स्क्रीन की तरफ, 6 रन। जबरदस्त प्रहार बाबा खान के बल्ले से, तगड़े बल्लेबाज है वैसे देखा जाए तो, और तगड़ा शॉट भी खेला है उन्होंने। फिर से सामने खेला है, लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ के बीच में से दर्शनीय स्ट्रोक, 4 रन मिलेंगे। पहले ओमिसोल प्राइवेट लिमिटेड मैक्सिमम, और उसके बाद ओमिसोल प्राइवेट लिमिटेड चौका,
डाउन द ग्राउंड तगड़े शॉट्स खेलते हुए इस बार बल्ले का फेस खोला है, गैप में निकालना चाहते थे लेकिन फील्डर काफ़ी अलर्ट शॉट थर्ड मैन की दिशा में। ये शॉट भी अच्छा था, जानबूझकर बैट का फेस खोल दिया था। 103 पर 8 अब बड़ौदा। 17वें ओवर का खेल चल रहा है और 54 रनों की आवश्यकता। करारा स्ट्रोक इस बार अलोंग द ग्राउंड खेला है, सामने फील्डर मौजूद है संदीप के रूप में। एक ही रन मिलेगा आपकी बार। स्कोर 104, 8 खिलाड़ी आउट। इस ओवर के बाद सिर्फ 3 ओवर्स का खेल बाकी, यानी कि कुल मिलाकर 19 गेंदें अब बाकी है मुकाबले में। 19 गेंदों में चाहिए 53 रन। क्या अनहोनी को होनी में तब्दील कर सकते हैं ये दोनों बल्लेबाज हेमंत पुंडे और बाबा खान। आखिरी गेंद पर सिंगल और इसके साथ ही 17 ओवर्स का खेल पूरा होता हुआ। 105 पर 8। मैच में ज़रूर काफ़ी आगे नज़र आ रही है नेपाल टीम, लेकिन क्रिकेट महान अनिश्चितताओं से भरा हुआ खेल है। और जिस तरह से बाबा खान ने दो बड़े शॉट्स लगाए हैं पिछले ओवर में, ज़रूर अभी भी दर्शकों को उम्मीद है कि यहां से भी पलटवार हो सकता है। अविनाश बोहरा जूसी आप वाली, बहुत ही सुंदर ड्राइव, सीधे बैट से खेला है लेकिन उम्दा फील्डिंग। रोहित पौडेल आउटफील्ड में अच्छा योगदान देते हुए कप्तान, बाउंड्री बचाने में कामयाब। हालांकि बहुत ही सुंदर तरीके से ड्राइव किया था हेमंत पुंडे ने। हेमंत भी काबिलियत रखते हैं अच्छे शॉट्स लगाने की। 4 पर बैटिंग करते हुए 5 पर पहुंच चुके हैं और बाबा खान 12 पर 6 गेंदों का सामना किया है। अब 17 गेंदों में चाहिए 51 रन। नेपाल टीम यदि यह मुकाबला जीत जाती है तो फिर बड़ौदा के लिए डगर और ज़्यादा मुश्किल हो सकती है फाइनल में पहुंचने की, क्योंकि गुजरात टीम ने भी अपना खाता खोल लिया है पॉइंट्स टेबल में। ओह खतरनाक बाउंसर ये, लेकिन गैप में निकल गई है थर्ड मैन की दिशा में। खिलाड़ी गेंद के पीछे, पैर से रोकने का प्रयास लेकिन आखिरकार गेंद सीमा रेखा के बाहर। अतिरिक्त रन्स लेग 22 के रूप में 4 रन। कंक्शन टेस्ट चलता हुआ वहाँ पर बल्लेबाज का, क्योंकि हेलमेट पर लगी थी गेंद। अविनाश ने गेंद को पटका था, अच्छा बाउंसर था ये, वेल डायरेक्टेड, लेकिन उस पर हालांकि 4 रन्स मिले हैं लेग 22 के रूप में। और अभी देखना है वहाँ पर बल्लेबाज पूरी तरह से स्वस्थ है या नहीं, लगता तो है खेलने के लिए तैयार हो रहे हैं बाबा खान, नहीं तो फिर सब्स्टिट्यूट भी मैदान में आ सकता है। जैसे कि एशेस में देखने को मिला था, वो एक बड़ी कहानी है मार्नस लबुशेन की, उनको ऐसे सिचुएशन में मौका मिला था और उस मौके को बुनाया उन्होंने और अब एक बड़ा नाम बन चुके हैं मार्नस लबुशेन विश्व क्रिकेट में। एक 110 पर 8 इस समय बड़ौदा। अब चाहिए 47 रन, गेंदे बची है 16। बोहरा ओवर द विकेट,
यॉर्कर की कोशिश, स्वीप लगाना चाहते थे, विकेट कीपर अपील कर रहे, लेकिन गेंदबाज ने उसमें कोई रुचि नहीं दिखाई। ये देखिए नजदीकी मामला लग रहा है वहां पर, लेकिन शायद थोड़ा सा इनसाइड एज। गेंद तो बिल्कुल स्टंप्स की दिशा में नजर आ रही थी। इस बार सिंगल छुड़ाते हुए बल्लेबाज। सही फैसला था ये अंपायर का, क्योंकि पहले जब गेंद पैड पर लगी थी तो वहाँ पर लेग स्टंप नज़र भी आ रहा था, और निश्चित रूप से लेग स्टंप के थोड़ा बाहर इम्पैक्ट था, लेग स्टंप को मिस करती गेंद। लगातार गेंदों को आगे रखते हुए गेंद के नीचे घुसने का मौका नहीं देना चाहते हैं अविनाश बोहरा। गेंद को एलिवेट करने का मौका मिल नहीं रहा है इस ओवर में बल्लेबाजों को। हालांकि दूसरी गेंद उनकी बाउंसर थी, खतरनाक बाउंसर, उस पर चौका जरूर मिला, अतिरिक्त रन्स मिले, लेकिन उसके बाद लगातार फुलर लेन पर गेंदबाजी, थोड़ी रफ्तार भी बढ़ा दी है। एक सौ बारह बन चुके हैं और 45 चाहिए, मात्र 13 गेंदों का खेल शेष। निकल कर खेला है लेकिन कुछ खास टाइमिंग नहीं, और बढ़िया फील्डिंग कवर्स में डायरेक्ट हिट लगता तो यहाँ पर मामला नज़दीकी बन सकता था। सिंगल के साथ ओवर की समाप्ति होती हुई, 18 ओवर्स का खेल पूरा, स्कोर 113 रन, 8 विकेटों के नुकसान पर। बारह गेंदे और 44 रन, यह है समीकरण बड़ौदा के सामने। नेपाल टीम ने बेहतरीन क्रिकेट खेला है आज भी, पहले मुकाबले में भी दमदार प्रदर्शन रहा था आज। हालांकि थोड़ी चुनौतियां ज़रूर पेश की गई जब एक अच्छी पार्टनरशिप बनी थी विष्णु सोलंकी और भानु पानिया के बीच में, और गेंदबाजी में भी हमने देखा था शुरुआती ओवर्स में बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन रहा था इस मैच में बड़ौदा की ओर से, लेकिन आखिर के जो 10 ओवर थे वहाँ पर बल्लेबाज हावी रहे नेपाल की ओर से। कुशल मल्ला के शानदार 40 रन और 29 रनों की बहुत अच्छी पारी खेली संदीप जोरा ने, जिसके चलते एक बहुत अच्छा टोटल भी खड़ा किया गया। करण आए हैं, ओ क्या हाथ लगा है गेंदबाज का, ये देखने वाली बात है। गेंद सीधे स्टंप्स पर जाकर टकराई है नॉन स्ट्राइकर जेन पर, लेकिन कोई नुकसान नहीं है, पटकी हुई गेंद थी, फ्लैट बैटेड शॉट, और शायद छोड़ देते तो अंपायर सोच सकते थे उस गेंद के बारे में, बहुत ज़्यादा बाहर थी। करिश्माई बल्लेबाजी की ज़रूरत है इस समय मैच को जीतने के लिए। बड़ोडा को इस बार वाइड है, राउंड द विकेट से एंगल डिलीवरीज का इस्तेमाल करते हुए इस समय गेंदबाज करण केसी। करण को ज़्यादातर हमने देखा है कि नॉर्थ एंड से ही गेंदबाजी दी गई है, पहले मुकाबले में भी उन्होंने नॉर्थ एंड से ज़्यादा गेंदबाजी की थी, और इस मैच में भी नई गेंद का भी जब इस्तेमाल किया उन्होंने उसी एंड से गेंदबाजी की और सफल साबित हुए हैं। आज भी दो विकटे उनके खातों में, हेलीकॉप्टर उड़ाया है लेकिन फील्डर मौजूद है लॉन्ग ऑन की दिशा में, अच्छा क्षेत्ररक्षण, पूरा एलिवेशन प्राप्त नहीं कर पाए, लॉन्ग ऑन को क्लियर करने का प्रयास ज़रूर था, लेकिन बाबा खान ने ज़रूर थोड़ा बहुत मनोरंजन किया है दर्शकों का। खासतौर पर डाउन द ग्राउंड अच्छे शॉट्स खेले हैं उन्होंने, एक छक्का और एक चौका जड़ चुके हैं इस समय 15 पर बैटिंग करते हुए। 6 पर खेल रहे हैं हेमंत,
और मात्र 10 गेंदों का खेल बचा हुआ है, 42 रनों की है दरकार यहां से। ऑफ साइड में बैकफील्ड नजर आ रही है सर्कल के अंदर, खासतौर पर शॉर्ट थर्ड मैन बैकवर्ड पॉइंट कवर में एक खिलाड़ी है, बाउंड्री पर एक फील्डर, दो खिलाड़ी बाउंड्री पर है ऑफ साइड में। ओ ये सरल अवसर था, बहुत ज्यादा आसानी से उसको कैच करने का प्रयास, थोड़ा कैजुअल अप्रोच आप कह सकते हो, थोड़े रिलैक्स नजर आए फील्डर। वैसे नेपाल की जो खिलाड़ी है उनकी जो फील्डिंग है उसकी काफ़ी तारीफ होती रही है पूरे टूर्नामेंट में, जिस तरह से उन्होंने गेंदबाजी और क्षेत्ररक्षण किया है, खासतौर पर मुश्किल मुश्किल कैचेस लपके हैं, लेकिन ये आसान सा कैच ड्रॉप होता हुआ। खैर इससे मैच के नतीजे पर कोई ज़्यादा असर पड़ेगा ऐसे अब लगता नहीं है, मैच पूरी तरह से झुका हुआ है नेपाल के पक्ष में। हैमर किया है बैकफुट पर जाकर, लेकिन सीधे फील्डर की तरफ लॉन्ग ऑफ की दिशा में, एक ही रन मिलेगा यहां पर। अब केवल औपचारिकताएं नजर आ रही है इस मुकाबले में, जीत की दहलीज पर नेपाल टीम और बड़ौदा टीम काफी नाजुक स्थिति में। ओहो खुल गया था बल्ले का फेस, थोड़ी देर हवा में भी रही थी गेंद, लेकिन शॉर्ट थर्ड मैन के खिलाड़ी तक पूरी तरह से पहुंची नहीं, कैरी नहीं हुई, बाउंस पर पहुंची। 3 विकेटें चटकाई थी करण केसी ने पहले मुकाबले में, आज 2 विकेटें अभी तक उनके खाते में है, एक गेंद बची है, जरूर चाहेंगे कि इस अंतिम गेंद पर विकेट प्राप्त किया जाए। 7 गेंदे और 40 रन, इस बार पिकअप शॉट, गेंद हवा में है, फील्डर के पास मौका और दर्शनीय रनिंग कैच, खूबसूरत कैच, तीसरी सफलता करण केसी के खाते में, पहले मैच में भी 3 विकेट्स, आज भी 3 विकेट्स, और 9वें विकेट का पतन होता हुआ, नीलकंठ विकेट का पतन। अच्छी तरह से उस गेंद की लेंथ को पिक करते हुए ये उठाकर शॉट खेला गया था, लेकिन जो दूरी चाहते थे बल्लेबाज वो प्राप्त नहीं कर पाए, और बहुत ही बेहतरीन कैच डीप में कुशल मल्ला द्वारा, काफ़ी अच्छे कैचेस आज देखने को मिले हैं, लेकिन सबसे बेहतरीन कैच संदीप जोरा का, जो बाउंड्री लाइन के काफ़ी करीब लिया था उन्होंने, शायद वो 1 इंच ही बाउंड्री लाइन के अंदर थे, और एक पैर पर संतुलन बनाते हुए विष्णु सोलंकी का वो कैच उन्होंने लपका था, और निश्चित रूप से वो टर्निंग पॉइंट रहा है इस मुकाबले में। आखिरी जोड़ी क्रीज पर शॉट बॉल, इस बार करारा पुल शॉट, कैप नहीं ढूंढ पाए, फिर से मल्ला एक्शन में, बढ़िया फील्डिंग, एक ही रन मिलेगा, महज औपचारिकता बची हुई है इस मैच में। लगातार अपनी दूसरी जीत की तरफ बढ़ती हुई एसएमएस फ्रेंडशिप कप 2024 में टीम नेपाल। अब ये देखने वाली बात है कि क्या ये 5 गेंदे जो बची है वो बल्लेबाज खेल पाएंगे या नहीं। आगे रखा है, सामने प्रहार किया है, लॉन्ग ऑफ पर जोरा मौजूद, अविनाश बोहरा की भी कोशिश हो रही है कि एक और सफलता प्राप्त की जाए। बहुत उपयुक्त खिलाड़ी है अविनाश बोहरा, डेथ ओवर्स में खासतौर पर अच्छी गेंदबाजी करने के लिए जाने जाते हैं, जब मौका मिलता है उनको तो निश्चित रूप से उसको बुनाने की हमेशा कोशिश करते हैं। थोड़ा सा बदलाव अब फील्डिंग में, मिड ऑफ को अंदर बुलाया गया है,
एक्स्ट्रा कवर है, पॉइंट है, शॉट थर्ड मैन है, लेकिन ये शॉट करा रहा है, खूबसूरत स्ट्रोक, ओमिसोल प्राइवेट लिमिटेड चौका। बाबा खान अभी भी क्रीज पर मौजूद है और अच्छे शॉट्स खेलते हुए, अच्छा उछालता, लगभग कंधे की तरफ आती हुई ये शॉर्ट पिच गेंद थी, लेकिन जोरदार पुल शॉट मिड विकेट बाउंड्री पर जो खिलाड़ी थे उनको बीट किया और 4 रन हासिल किए बाबा खान ने। एक और सुंदर शॉट, अब की बार लॉन्ग ऑन के ऊपर से दमदार हिट, 6 रन। बाबा खान यहां पर सुनिश्चित कर रहे हैं कि बड़ौदा टीम बहुत बड़े अंतर से ये मुकाबला ना हारे और नेट रन रेट को थोड़ा बेहतर करने की उनकी कोशिश जारी है। 16 गेंदों में 27 पर पहुंच चुके हैं, धुआंधार बैटिंग बाबा खान द्वारा, आज उनकी गेंदबाजी भी काबिले तारीफ रही और बल्ले से भी अच्छा योगदान देते हुए। 2 गेंदें बची है, इसी तरह से बाबा खान बल्लेबाजी करते रहे तो शायद टीम मैनेजमेंट और कैप्टन सोच सकते हैं कि उनको थोड़ा ऊपर भी खिलाया जाए। ऑफ स्टंप के बाहर वाइड यॉर्कर, पीछा किया था गेंद का लेकिन इस बार संपर्क नहीं बना पाए। और अब आखिरी गेंद शेष, 28 रन अभी भी चाहिए। अंतिम गेंद, ओ जोरदार अपील और लीजिए अंपायर की उंगली आसमान की ओर, अंतिम गेंद पर अंतिम विकेट का पतन, नीलकंठ विकेट, पारी समाप्त, मैच समाप्त होता हुआ 27 रनों से मुकाबला जीत। वो काबिले तारीफ गेंदबाजी में करण केसी का योगदान बिल्कुल भी नहीं हम बोल सकते हैं, 3 विकेट्स उनके खाते में। गुलशन झा ने एक बार फिर से अच्छी गेंदबाजी की और अविनाश बोहरा ने भी 2 विकेट छटकाए, तो 27 रनों से ये मुकाबला जीता है नेपाल ने।